वापस आ रही है सलमान खान की फिल्म वांटेड। कौन होगा इस फिल्म में? सलमान के लिए ये फिल्म कैसे लकी साबित होगी? बॉलीग्राड स्टूडियोज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। फिल्म निर्माता बॉनी कपूर लंबे समय से अपनी 2009 की हिट फिल्म वांटेड का सीक्वल बनाना चाहते हैं, लेकिन सलमान खान की हां के इंतजार में वक्त बीतता जा रहा है। अब उन्होंने सलमान का इंतजार ना करने का फैसला कर लिया है। पिछले कुछ समय से सीक्वल की चर्चाएं हो रही हैं और यह भी कहा जा रहा है कि सलमान बॉनी को जानबूझकर इंतजार करवा रहे हैं। इसकी वजह बॉनी के बेटे अर्जुन कपूर हैं, जिनसे सलमान की नाराजगी जाहिर है। फिल्म रेस 3 के प्रमोशन के दौरान सलमान ने अपनी आने वाली फिल्मों के नाम गिनाए थे और उनमें से वांटेड 2 का नाम कहीं नहीं था। संभवतः यही कारण है कि बॉनी ने अब वांटेड 2 के लिए सलमान की जगह दूसरे एक्टर की खोज शुरू कर दी है और टाइगर श्रॉफ का नाम सामने आ रहा है। वांटेड एक एक्शन फिल्म थी और टाइगर श्रॉफ आज सबसे प्रतिभाशाली एक्शन स्टार के रूप में उभरे हैं। हाल ही में खुद सलमान ने उनकी तारीफ की थी। सूत्रों का कहना है कि बॉनी ने निर्देशक प्रभुदेवा से मिलकर पिछले दिनों बात की और कहा कि वांटेड के सीक्वल के लिए टाइगर को लिया जा सकता है। इसके बाद टाइगर से बॉनी और उनकी टीम ने बातचीत की। कहा जा रहा है कि बॉनी ब्लॉकबस्टर बनी बागी 3 के बाद टाइगर की इमेज को बनना चाहते हैं। तय है कि अगर टाइगर वांटेड 2 में आते हैं तो इससे फिल्म को बहुत फायदा होगा। बॉनी के करीबी सूत्र कह रहे हैं कि वांटेड 2 के लिए उनके पास बढ़िया कहानी है और टाइगर ने स्क्रिप्ट सुनने के लिए हाँ कह दी है। बॉनी फिल्म की भागदौड़ प्रभुदेवा को सौंप चुके हैं। उल्लेखनीय है कि 2009 में वांटेड ने ही सलमान को उस वक्त चल रहे उनके खराब दौर से उभारा था और इस फिल्म की सफलता के बाद उन्होंने आज तक पीछे मुड़कर नहीं देखा। सूत्रों के मुताबिक टाइगर ने हां की तो वह 2021 में वांटेड 2 के लिए समय दे पाएंगे। अगर टाइगर ने इस फिल्म के लिए हां कह दिया तो वह आज के समय के ऐसे पहले एक्टर बन जाएंगे जो 4 एक्शन फ्रेंचाइजी की किस्सा होंगे। आपको बता दें कि बागी एक एक्शन सीरीज है और इसके अलावा टाइगर गणपत और हीरोपंती के सीक्वल भी काम कर रहे हैं। गणपत 3 पार्ट में रिलीज होगी, इसलिए यह भी फ्रेंचाइजी में ही आएगी। टाइगर ने एक्शन हीरो के रूप में एक ऐसा बार सेट कर दिया है कि वहां तक पहुंचना तो दूर, बल्कि कोई एक्टर आज के जमाने में इतनी एक्शन फिल्म करने का भी नहीं सोच सकता। क्या वांटेड में सलमान की जगह टाइगर आएंगे दर्शकों को पसंद? कमेंट कर हमें अपनी राय बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, इस नए वीडियो में आज हम बात करेंगे एक ऐसी फिल्म जिसने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में धमाल मचा दिया था। ये एक ऐसी फिल्म थी जिसने सलमान खान के डूबते हुए करियर को फिर से टॉप पर पहुंचा दिया था और उसके बाद सलमान खान ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनकी हर फिल्म इस फिल्म के बाद 100 करोड़ के क्लब में शामिल हुई। पहचान गए दोस्तों? चलो हम ही बता देते हैं, हम बात कर रहे हैं 2009 में रिलीज हुई उनकी फिल्म वांटेड की, जिसने उन्हें बॉलीवुड का सुपरस्टार बना दिया। 18 सितंबर 2009 उनकी फिल्म रिलीज हुई वांटेड, और फिल्म का डायरेक्शन किया था प्रभुदेवा ने और इसके प्रोड्यूसर थे बॉनी कपूर, और इसका म्यूजिक कंपोज किया था म्यूजिक कंपोजर साजिद वाजिद और सलीम सुलेमान ने। दोस्तों, इस फिल्म में सलमान खान के साथ आयशा टाकिया ने काम किया था। उनके अलावा इस फिल्म में प्रकाश राज और विनोद खन्ना भी एक्टिंग करते नजर आए। ये तेलुगु फिल्म पोखरी का रिमेक थी जिसमें साउथ के सुपरस्टार महेश बाबू ने काम किया था। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये एक एक्शन मूवी थी और अगर बात करें कहानी की तो ये एक ऐसे सीक्रेट पुलिस ऑफिसर की कहानी थी जो सीक्रेटली गैंगस्टर्स के बीच में गैंगस्टर बनकर उनके सारे क्रिमिनल्स का एनकाउंटर करके क्राइम को खत्म करता है। इस फिल्म में जबरदस्त एक्शन था और इसका डायरेक्शन भी काफी बढ़िया तरीके से किया गया था, और एक्शन के साथ साथ फिल्म में रोमांस भी बढ़िया तरीके से दिखाया गया और फिल्म को लोगों ने बढ़िया रेस्पॉन्स दिया। लोगों को इस फिल्म का एक्शन गजब लगा। इस फिल्म को क्रिटिकली और कॉमर्शियली बहुत अप्रिशिएट किया गया। क्रिटिक्स ने इस फिल्म को 5 में से 4 स्टार दिए। दोस्तों, फिल्म का
जिसका बजट था 52 करोड़ और फिल्म ने इंडिया में 70 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया, जबकि वर्ल्ड वाइड वॉन्टेड ने 95 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था। दोस्तों, वॉन्टेड फिल्म ने पहले दिन 5 करोड़, पहले वीकेंड में 16 करोड़ और पहले वीकेंड में 33 करोड़ 63 का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया। इस फिल्म से पहले सलमान खान की कई फिल्में फ्लॉप हो चुकी थी और ऐसा लग रहा था जैसे उनका करियर अब खत्म हो जाएगा, लेकिन फिल्म की बढ़िया डायरेक्शन और जबरदस्त एक्शन ने लोगों को थिएटर्स में बार बार आने पर मजबूर कर दिया और फिल्म लोगों को बहुत पसंद आई और सलमान खान फिर से बॉक्स ऑफिस के सुपरस्टार साबित हुए। दोस्तों, अगर वांटेड का सीक्वल वांटेड 2 बनता है तो क्या वो भी इतनी ही बड़ी ब्लॉकबस्टर हो पाएगी? हमें अपना जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और बॉलीवुड से जुड़ी कोई भी जानकारी जानने के लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में सवाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, करोड़ी वांटेड 2 में किस स्टार किड्स हीरोइन को बोनी कपूर लॉन्च करना चाहते हैं? वांटेड 2 में सलमान खान को लिया जाएगा या फिर किसी नए स्टार की एंट्री होगी? वांटेड 2 की कहानी क्या है? वांटेड 2 की शूटिंग कब से शुरू होने वाली है? वांटेड 2 में अर्जुन कपूर सलमान खान के लिए क्यों रोड़ा बन गए? वांटेड 2 की स्क्रिप्ट के लिए किस साउथ फिल्म के कॉपीराइट को बोनी कपूर ने खरीदा? वांटेड फिल्म ने कैसे सलमान खान को रातों रात सुपरस्टार बना दिया? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गरिमा सिंह और आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, फिल्म निर्माता बोनी कपूर लंबे समय से अपनी 2009 की हिट फिल्म वांटेड का सीक्वल बनाना चाहते हैं, लेकिन सलमान खान की हां के इंतजार में वक्त बीतता जा रहा है। अब उन्होंने सलमान का इंतजार न करने का फैसला कर लिया है। पिछले कुछ समय से सीक्वल की चर्चाएं हैं और ये भी कहा गया कि सलमान बोनी को जानबूझकर इंतजार करा रहे हैं। इसकी वजह बोनी के बेटे अर्जुन कपूर हैं, जिनसे सलमान की नाराजगी जग जाहिर है। पिछले दिनों सलमान ने अपनी आने वाली फिल्मों के नाम गिनाए थे और उनमें वांटेड 2 का नाम नहीं लिया। संभवतः यही कारण रहा है कि बोनी ने अब वांटेड 2 के लिए सलमान की जगह दूसरे एक्टर की खोज शुरू कर दी है और टाइगर श्रॉफ का नाम सामने आ रहा है। दोस्तों, वांटेड एक एक्शन फिल्म थी और टाइगर श्रॉफ आज सबसे प्रतिभाशाली एक्शन स्टार के रूप में उभरे हैं। हाल ही में खुद सलमान ने उनकी तारीफ की थी। सूत्रों का कहना है कि बोनी ने निर्देशक प्रभु देवा से मिलकर पिछले दिनों बात की और कहा कि वांटेड के सीक्वल के लिए टाइगर को लिया जा सकता है। और दोस्तों, इसके बाद टाइगर से बोनी और उनकी टीम ने बातचीत की। कहा जा रहा है कि बोनी ब्लॉकबस्टर बनी बागी 2 के बाद टाइगर की इमेज को भुनाना चाहते हैं। तय है कि अगर टाइगर वांटेड 2 में आते हैं तो इससे फिल्म को फायदा होगा। बोनी के करीबी सूत्र कह रहे हैं कि वांटेड 2 के लिए उनके पास बढ़िया कहानी है और टाइगर ने स्क्रिप्ट सुनने के लिए हाँ भी कह दी है। बोनी फिल्म की भागदौड़ पहले ही प्रभुदेवा को सौंप चुके हैं। उल्लेखनीय है कि 2009 में वांटेड ने ही सलमान को उस वक्त चल रहे उनके खराब दौर से उभारा था और इस फिल्म की सफलता के बाद उन्होंने आज तक पीछे मुड़कर नहीं देखा। सूत्रों के मुताबिक टाइगर ने हाँ की तो वो 2019 में ही वांटेड 2 के लिए समय दे पाएंगे। उधर प्रभुदेवा भी इन दिनों सलमान की दबंग 3 की प्री प्रोडक्शन में व्यस्त है। दोस्तों, वांटेड 2009 में आई क्राइम एक्शन हिंदी फिल्म है जो डायरेक्टर प्रभुदेवा द्वारा फिल्माई गई है। इस फिल्म में सलमान खान, आयशा टाकिया, प्रकाश राज, विनोद खन्ना, महेश मांजरेकर ने मुख्य भूमिकाएं निभाई थी। इस फिल्म में सलमान खान ने एक आईपीएस अफसर की भूमिका निभाई है और ये फिल्म एक तेलुगु फिल्म पोकिरी का रीमेक है। दोस्तों, ये फिल्म 18 सितंबर 2009 को रिलीज हुई थी और जिसने रिलीज होने के साथ बॉक्स ऑफिस के कई रिकॉर्ड्स तोड़ दिए और वो भी सलमान खान के वापसी होने पर। दोस्तों, वांटेड वर्ष 2009 की बॉलीवुड की दूसरी सबसे बड़ी ग्रॉसिंग फिल्म थी। राधे एक गैंगस्टर होता है जिसका अतीत एक रहस्यमय है जो रुपयों के लिए लोगों की जान लेता है और वो जानवी से उस दौरान मिलता है जब वो फिट रहने के लिए फिटनेस सेंटर पर ट्रेनिंग कर रही थी और राधे को उसी क्षण जानवी से प्यार हो गया। दोस्तों, राधे और जानवी की पहली मुलाकात ने जानवी को राधे के बारे में नकारात्मक बना दिया, लेकिन बाद में वो राधे की भावनाओं की कद्र करने लगी। दूसरी ओर इंस्पेक्टर तलपड़े एक स्वार्थी और विकृत इंस्पेक्टर, उसने जानवी की माँ से जानवी की शादी खुद से करने को कहा और साथ ही साथ ये भी कहा कि अगर वो उसके विरुद्ध गई तो वो उसका बलात्कार करेगा और फिर वो अदालत कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंस कर रह जाएगी। वहीं दूसरी ओर तलपड़े ने जानवी के बॉयफ्रेंड पर ध्यान रखने के लिए जानवी के मकान मालिक को कहा। तलपड़े राधे को धमकी देने की कोशिश करता है, लेकिन बाद में उसे राधे की हकीकत का पता चलने पर राधे से डर लगने लगता है। दोस्तों, वहीं गनी भाई यानी कि प्रकाश राज
एक इंटरनेशनल डॉन भारत एक हत्या करने के लिए आता है और राधे को अपने पुराने विश्वसनीय राइट हैंड की जगह दे देता है। दो गैग दत्ता पावले और गन्नी भाई मुंबई का सबसे बड़ा हिस्सा बनने के लिए एक दूसरे से लड़ते हैं और इस वजह से पुलिस कमिश्नर अशरफ तौफीक खान मुंबई को क्राइम से मुक्त बनाने का निर्णय करता है और पुलिस कमिश्नर अशरफ तौफीक खान गन्नी भाई को गिरफ्तार कर लेता है। दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की। राधे एक कातिल है जिसको हिंसा और मारपीट के अलावा कुछ नहीं आता। उसको जानवी नाम की एक लड़की से प्यार हो जाता है लेकिन एक इंस्पेक्टर जानवी पर शादी के लिए दबाव डालता है और इस मुसीबत से निपटने के लिए राधे के पास एक नई योजना है। क्या वो अपनी योजना के मुताबिक जानवी को इंस्पेक्टर से बचा पाएगा? दोस्तों ये तो हो गया इस फिल्म का इंटरेस्टिंग फैक्ट। अब बात करते हैं बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की। दोस्तों इस फिल्म का पहले दिन का कलेक्शन 5,01,00,000 रुपए रहा। वहीं पहले वीकेंड का कलेक्शन 15,54,00,000 रहा। वहीं अपने पहले हफ्ते में इस फिल्म ने 33,63,00,000 का कलेक्शन किया और इस फिल्म ने भारत में कमाई की 60 करोड़ की। वहीं दुनिया भर की कमाई 93 करोड़ की रही। दोस्तों वांटेड सलमान खान के करियर की हिट फिल्मों में से एक है और इस फिल्म को दर्शकों ने बेहद पसंद किया जिस कारण अपने ओपनिंग वीकेंड पर ही फिल्म ने 15 करोड़ रुपए कमा लिए थे। सप्ताह के बाकी दिनों में भी फिल्म की कलेक्शन में जरा फर्क नहीं पड़ा और एक सप्ताह खत्म होने पर फिल्म ने 30 करोड़ रुपए से ज्यादा तक की कमाई कर ली। दूसरे सप्ताह में भी फिल्म की कलेक्शन में ज्यादा गिरावट देखने को नहीं मिली और सिनेमा घरों से फिल्म ने अच्छा लाभ कमाया। वांटेड फिल्म विदेशी दर्शकों को भी बहुत पसंद आई जिस कारण फिल्म ने विदेश में भी आशा के अनुरूप कमाई की। दोस्तों वांटेड फिल्म ने सलमान खान के करियर को एक नई उड़ान दी थी जिसके बाद उन्होंने दबंग, किक, रेडी जैसी एक के बाद एक ब्लॉकबस्टर फिल्में दी। दोस्तों बात करते हैं सलमान खान के वो 20 चर्चित डायलॉग्स की जिससे थिएटर में तालियां और सीटियां गूंज उठती हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं पहले डायलॉग से, सलमान खान की गर्व फिल्म से ये डायलॉग। मुकदमा सबूतों और गवाहों से लड़ा जाता है, भाषणबाजियों, नौटंकी और तमाशों से नहीं। दोस्तों बढ़ते हैं अगले डायलॉग की ओर, सलमान खान की वांटेड फिल्म से ये डायलॉग जो बड़ा ही फेमस हुआ। एक बार जब मैंने कमिटमेंट कर दी उसके बाद तो मैं खुद की भी नहीं सुनता। दोस्तों तीसरा डायलॉग आता है उनकी फिल्म तेरे नाम से। मैं रिक्वेस्ट नहीं करता, एक ही बार बोलता हूँ और फुल एंड फाइनल हो जाता है। दोस्तों वही उनका बॉडीगार्ड फिल्म से ये डायलॉग जो बड़ा ही फेमस हुआ। मुझ पर एक एहसान करना कि मुझ पर कोई एहसान मत करना। दोस्तों बढ़ते हैं अगले डायलॉग की ओर, और उनकी एक था टाइगर फिल्म से ये डायलॉग। साथ चलना होगा जिंदा या मुर्दा। दोस्तों अगला डायलॉग है उनकी दबंग फिल्म का। There is always a first time, always a next time। दोस्तों बढ़ते हैं अगले डायलॉग की ओर, और उनकी बॉडीगार्ड फिल्म से ये डायलॉग। मेरी एक खासियत है कि मैं मारता कम हूँ, घसीटता ज्यादा हूँ। दोस्तों अगला डायलॉग की बात करें तो दबंग फिल्म का ये बेहतरीन डायलॉग। हम तुम में इतने छेद करेंगे कि कंफ्यूज हो जाओगे कि सांस कहाँ से लें और पादे कहाँ से। दोस्तों अगला डायलॉग है उनकी फिल्म मैंने प्यार किया से। दोस्ती का एक उसूल होता है मैडम, नो सॉरी नो थैंक यू। अगला डायलॉग है उनकी फिल्म हम आपके हैं कौन से। लोग कहते हैं कि खूबसूरत लड़कियां जब झूठ बोलती हैं तो और भी खूबसूरत लगती हैं। दोस्तों अगला डायलॉग है उनकी फिल्म हम दिल दे चुके सनम से। अगर तुम मुझे यूं ही देखती रही तो तुम्हें मुझसे प्यार हो जाएगा। दोस्तों अगला डायलॉग है उनकी दबंग फिल्म का हमारा नाम हमारी पर्सनैलिटी को शोभा देता है, चुलबुल पांडे उर्फ रॉबिनहुड पांडे। दोस्तों अगला डायलॉग है उनकी फिल्म किक से। मेरे बारे में इतना मत सोचना, दिल में आता हूँ समझ में नहीं। दोस्तों उनका अगला डायलॉग है वांटेड फिल्म से। तू लड़की के पीछे भागेगा, लड़की पैसे के पीछे भागेगी। तू पैसे के पीछे भागेगा, लड़की तेरे पीछे भागेगी। दोस्तों अगला डायलॉग है उनकी फिल्म रेडी से। जिंदगी में तीन चीजें कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना, आई मी एंड माई सेल्फ। दोस्तों अगला डायलॉग है उनकी फिल्म हम आपके हैं कौन से। जब हम आपसे कुछ पूछना चाहें तो आप हमें रोकती हैं और जब चुप हो जाएं तो आप हमें टोकती हैं। दोस्तों अगला डायलॉग है उनकी फिल्म तेरे नाम से। सारी दुनिया प्यार में पड़ी है, सिर्फ एक मुझे ही हक नहीं है कि मैं भी किसी से प्यार कर सकूं, कोई मुझसे प्यार कर सके क्यों। दोस्तों अगला डायलॉग है उनकी फिल्म वांटेड का। बहुत घूर रहा है, क्या बहन की शादी कराएगा मुझसे। और उनका वांटेड फिल्म का एक और डायलॉग, शराब और खून मैं अपनी मर्जी से पीता हूँ दबा के। दोस्तों अगला डायलॉग है उनकी फिल्म जय हो से।
आम आदमी सोता हुआ शेर है, उंगली मत कर, जाग गया तो चीर फाड़ देगा। दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं फिल्म से ताल्लुक रखने वाले कुछ खास किस्सों के बारे में। दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि प्रभु देवा ने इस फिल्म के माध्यम से हिंदी फिल्मों में डेब्यू किया था और ईद के मौके पर रिलीज होने वाली सलमान खान की ये पहली हिट फिल्म थी। और दोस्तों फिल्म का गाना मेरा ही जलवा में अनिल कपूर और गोविंदा को गेस्ट अपीयरेंस में देखा गया। वहीं इस फिल्म को बनाने में काफी समय लगा था और रिलीज होने में भी काफी दिक्कतें आई थी। दोस्तों वांटेड फिल्म तमिल फिल्म पोक्किरी की रीमेक है जिसे भी प्रभु देवा ने ही डायरेक्ट किया था। दोस्तों प्रकाश राज ने इस फिल्म में विलन की भूमिका निभाई है। और क्या आप जानते हैं कि सलमान से पहले ये फिल्म शाहरुख खान को ऑफर हुई थी लेकिन उन्होंने इस फिल्म का रोल अपने लिए ठीक नहीं समझा था। सलमान खान का फिल्मी सफर उतार चढ़ाव से भरा रहा है। उनके करियर में कई बार ऐसा समय आया जब लगा कि करियर खत्म होने के कगार पर है। ये बात 2007 की जब उनकी फिल्म पार्टनर सुपरहिट रही, वे छा गए थे। लेकिन उसके बाद उनकी फिल्मों को लेकर खराब चॉइस की वजह से उनके स्टारडम को खतरा पैदा हो गया। उनकी युवराज भी फ्लॉप हो गई। सलमान खान एक्टर क्यों नहीं बनना चाहते थे? सलमान खान की वांटेड 2 कब शुरू होने वाली? सलमान खान ने जब फिल्मी करियर की शुरुआत की थी तो कितने किलोग्राम के थे? उन्होंने किस फिल्म के लिए दुआ मांगी कि दर्शक उनकी ये फिल्म ना देखे? उनसे किसने कहा कि तुम्हारे साथ जो हमेशा खड़ा रहेगा वो तुम ही हो? वांटेड फिल्म की कहानी क्या है और वांटेड 2 फिल्म की कहानी क्या होगी? सलमान खान का नाम आज बॉलीवुड के सुपरस्टार्स में शामिल है। बॉलीवुड की जानी मानी अभिनेत्रियां सलमान खान के साथ काम करना चाहती, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सलमान खान का सपना एक्टर बनने का नहीं था। अपने अभिनय से दर्शकों का दिल जीतने वाले सलमान खान पहले निर्देशक बनना चाहते लेकिन परिस्थितियों की वजह से उन्हें एक्टर बनना पड़ा। क्या आप जानते हैं वो कैसे फिल्म जगत से जुड़ गए? इस सवाल का जवाब देते हुए सलमान खान कहते हैं, मैं डायरेक्टर बनना चाहता, पहले मैं असिस्टेंट था, उसके पहले मैं मॉडलिंग किया करता था। उस वक्त जो फिल्में बनती थी वो मोहल्ले का दादा, पुलिस इंस्पेक्टर, लॉयर, इस तरह के जॉनर की बनती थी। मैं इन फिल्मों में हीरो के लिए फिट ही नहीं था। पहले मैं 48 किलो का हुआ करता था। मैं लोगों के पास अपनी स्क्रिप्ट लेकर जाता था तो लोग बोलते थे, नहीं अभी बहुत यंग हो। सलमान बताते हैं, उसी समय फिल्म बीबी हो तो ऐसी ऑफर हुई। मैंने स्क्रिप्ट को सुनकर मैंने फिल्म साइन कर ली, लेकिन फिल्म में अपना काम देखा तो मैंने दुआएं मांगी कि कोई फिल्म ना देखे। पहली बार कोई ऐसा एक्टर होगा जिसने पहली फिल्म के लिए दुआएं मांगी होगी कि कोई फिल्म ना देखे। इसके बाद फिल्म आई मैंने प्यार किया और इसके बाद मैंने वापस मुड़कर नहीं देखा। सलमान खान कहते हैं, एक समय ऐसा आया कि मैंने काम छोड़ दिया और पार्टी में बिजी हो गया। एक दिन पापा ने मैंने प्यार किया को देखने के लिए लगी सिनेमा घरों की भीड़ को देखकर फोन किया। मैं उनके रिएक्शन को देखने के लिए उत्साहित। करीब रात के 2:30 बज रहे तभी मेरी माँ कमरे में आई और कहा, तुझे क्या लगता कि तू स्टार बनेगा? मैंने कहा, मुझे नहीं पता, आप बताओ। उन्होंने मेरे गाल पर हाथ लगाया और कहा, तुम्हारे साथ जो हमेशा खड़ा रहेगा वो तुम ही हो और कोई तुम्हारे काम नहीं आएगा। ये बात 2009 की। सलमान खान बुरे दौर से गुजर रहे, फिल्में लगातार फ्लॉप हो रही थी, सलमान खान को खत्म मान लिया गया था। इसी बीच एक फिल्म दबे पांव रिलीज हुई, नाम था वांटेड। सोचा भी नहीं था कि किसी ने, और ये फिल्म सुपर हिट हो गई। बस तब से सलमान खान ने पीछे पलटकर नहीं देखा और सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते सुल्तान तक जा पहुंचे। सुल्तान बनने के बाद तो टाइगर का रूप ले लिया। वांटेड बनाई थी प्रभु देवा ने, मसाला फिल्म बनाने में वे माहिर हैं। लगा कि जल्द ही सलमान खान के साथ दूसरी फिल्म बनाएंगे, लेकिन कई वर्ष गुजर गए और दोनों ने साथ काम नहीं किया। प्रभु देवा ने कई बार इच्छा जताई कि वे सलमान खान को लेकर फिल्म बनाना चाहते हैं, तो दूसरी ओर सलमान खान दूसरे प्रोजेक्ट में इतने व्यस्त हो गए कि प्रभु की इच्छा पूरी ही नहीं कर पाए। अब जाकर दोनों साथ काम करने जा रहे हैं। प्रभु देवा और सलमान खान की फिल्म की योजना बन चुकी है, डेट तय होते ही काम शुरू होगा, हालांकि इसमें समय लगेगा। प्रभु देवा ने ये नहीं बताया कि किस तरह की फिल्म होगी, लेकिन अगर मीडिया खबरों की बात माने तो वांटेड 2 हो सकती। एक नई कहानी के साथ इसे पेश किया जा सकता है। वांटेड के निर्माता बोनी कपूर थे और वो भी सलमान खान के साथ लंबे समय से फिल्म बनाना चाह रहे। बोनी को निर्माता बनाकर ये प्रोजेक्ट शुरू हो सकता है। वांटेड तेलुगु फिल्म पोकरी की रिमेक थी। इस बात से नकारा नहीं जा सकता है कि वांटेड सलमान के करियर की कमबैक फिल्म थी। उस दौरान सलमान खान की कई फिल्में फ्लॉप हो रही और उनका करियर खत्म माना जा रहा। उसके बाद ही सलमान खान ने प्रभु देवा के साथ इस फिल्म में काम किया। फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई और सलमान खान के करियर ने फिर से उड़ान भरी। सलमान खान को लेकर दबंग और दबंग 2 जैसी फिल्म के बाद अब इस फ्रेंचाइजी की तीसरी फिल्म बनाने की चर्चा है। प्रभु देवा ने डेक्कन क्रॉनिकल को दिए गए एक इंटरव्यू में इस बात की पुष्टि की। उन्होंने कहा,
रहा है वो फिल्म की डिटेल्स को लेकर फाइनल करने के लिए मुंबई गए थे। अब वो ये कह सकते हैं कि सलमान खान और अरबाज खान के साथ फिल्म दबंग 3 बनाएंगी। उन्होंने कहा वो दोनों के साथ काफी लंबे समय से जुड़े हुए हैं और उन्हें ना कहने का सवाल ही नहीं उठता। प्रभु देवा ने फिल्म की डिटेल्स को लेकर भी खुलासा किया। उन्होंने कहा फिल्म में किसी भी चीज को लेकर कोई बदलाव नहीं होगा, फिल्म की कास्टिंग वही रहेगी। इसके अलावा फिल्म के म्यूजिक के लिए भी साजिद वाजिद की जोड़ी को बरकरार रखा जाएगा। उन्होंने कहा फिल्म में वही बस नया चेहरा है, उनके अलावा सब कुछ वैसे का वैसा ही है। दबंग 3 के बाद वांटेड 2 पर काम शुरू होगा, जिसमें राधे के नए अवतार को आज के परिप्रेक्ष्य में दिखाया जाएगा, क्योंकि समाज को राधे जैसे इंसान की जरूरत है जो बुराई को समाप्त कर सके। आज चारों ओर रेप जैसी घटना आम हो गई। अब बात करते हैं वांटेड फिल्म कैसी, जिसने सलमान खान को फिर से सुपरस्टार बना दिया। सिनेमा घर में अंधेरा होते ही सलमान खान का शो शुरू हो जाता है। सलमान खान की एंट्री होती है एक्शन सीन से। एकदम दीवार के अमिताभ के स्टाइल में सलमान शटर गिराते हैं और उस पर ताला गुंडे लगाते हैं। उसके बाद उन 20-25 आदमियों की सल्लू जोरदार तरीके से धुलाई करते हैं। धांसू एक्शन सीन के तुरंत बाद धांसू गाना। गणेश जी की मूर्ति के सामने सलमान जलवा गाने पर ठुमके लगाते हैं। एक्शन और गाने से निर्देशक ने दिखा दिया कि राधे किस तरह का आदमी है। वो लोगों को गाजर मूली की तरह काटता है और भगवान के आगे सिर झुकाता। राधे यानी सलमान खान एक शूटर, उसके चमचे उसे ब्रूसली का नाना और रैम्बो का चाचा कहते। तुम जिस स्कूल में पढ़े हो उसका हेडमास्टर मेरे से ट्यूशन लेता, जैसे घिसे पीटे डायलॉग भी वो बोलता है। पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है, लेकिन टैरिये उसके भी कुछ उसूल है। औरतों और बच्चों पर वो हाथ नहीं उठाता, जो काम पसंद आता है वही करता है। शराब और खून जब इच्छा हो तब पीता है, और वो भी दबा के। गुटके को मौत का सामान मानता है, एक बार कमिटमेंट कर लिया तो फिर वो अपने भी नहीं सुनता। एक्शन के बीच रोमांस भी जरूरी है। इस गुंडे नुमा शख्स के स्टाइल पर लड़कियां मरती हैं, क्योंकि हथियार से वो बहुत अच्छी तरह खेलता है। तुम गुंडे हो लेकिन दिल के अच्छे हो, कहकर इस हत्यारे पर जानवी यानी कि आयशा टकिया फिदा हो जाती है। लेकिन राधे के क्रूर रूप को देखकर वो सिहर उठती। मोटी ताजी जानवी पर दो लोग और फिदा हैं, अधेड़ उम्र का मकान मालिक यानी मनोज पावा, जो बीच बीच में दर्शकों को हंसाता है, और इंस्पेक्टर तलपदे यानी कि महेश मांजेकर, जिसकी हरकतों पर दर्शकों को गुस्सा आता है। गानी भाई यानी कि प्रकाश राज के लिए राधे काम करता है और उनके दुश्मनों को ठिकाने लगाता है। गानी भाई के खास आदमी का मर्डर हो जाता है और लड़कियों की कुश्ती देखने के शौकीन गानी भाई विदेश से भारत चले आते हैं। यहाँ आकर उन्हें खास राज मालूम पड़ता है, जिससे उनकी और राधे की दुश्मनी हो जाती है। कहानी में ट्विस्ट आता है और खून खराबे के पीछे राधे का मकसद क्या है, ये सभी को पता चलता है। तमिल फिल्म पोगरी पर आधारित वांटेड की कहानी धागे जैसी पतली है, उसमें नयापन भी नहीं है। आगे क्या होने वाला है ये सभी को पता रहता है। क्लाइमेक्स के थोड़ा पहले तक कहानी आगे खिसकती भी नहीं है, फिर भी फिल्म में रुचि बनी रहती है, क्योंकि निर्देशक प्रभु देवा ने दृश्यों को असेंबलिंग बहुत ही उम्दा तरीके से किया है। दर्शाया है एक्शन, हास और रोमांस का मिश्रण बिल्कुल बराबर मात्रा में किया गया है। साथ ही उन्होंने सलमान खान को बेहतरीन तरीके से पेश किया है। सलमान के ढेर सारे प्रशंसक उन्हें इसी रूप में देखना पसंद करते। सलमान की जो इमेज है वो राधे के किरदार से बिल्कुल मेल खाती है। अक्खड़ थोड़ा बिगड़े लेकिन दिल का हीरा, बेखौफ, लार्जर देन लाइफ सी शख्सियत, अपनी मर्जी से जीने वाला, स्टाइलिश, औरतों की इज्जत करने वाला। लगता ही नहीं कि सलमान खान एक्टिंग कर रहे हैं। पूरी फिल्म में सलमान का प्रभुत्व। सल्लू की हीरोगिरी दिखाने के लिए स्क्रिप्ट की खामियों को भी नजरअंदाज कर दिया गया। सलमान खान के कारण दर्शक उन गलतियों को पचा लेते। सलमान पर सैकड़ों गोलियां चलती हैं और उन्हें खरोंच तक नहीं आती। वांटेड देखते समय दर्शक इन बातों की परवाह नहीं करते, क्योंकि उनके हीरो को गोली छू भी नहीं सकती। एक्शन इस फिल्म का प्रमुख आकर्षण। कई एक्शन स्टंट बेहतरीन बन पड़े हैं, जिनमें सलमान की एंट्री वाला सीन, आयशा को ट्रेन में छेड़ने वाले गुंडों की पिटाई वाले सीन और फिल्म का क्लाइमेक्स उल्लेखनीय है। संगीत की बात की जाए तो जलवा और लव में उम्दा है। हर गाने का फिल्मांकन खूबसूरत लोकेशंस पर भव्य तरीके से पेश किया गया है। तकनीकी रूप से फिल्म सशक्त। आयशा टाकिया ने सलमान का साथ उम्दा तरीके से निभाया। गनी भाई के रूप में प्रकाश राज ने अपनी छाप छोड़ी। पुलिस की गिरफ्त में रहकर उन्होंने खूब हंसाया। महेश मांजेकर को देख नफरत पैदा होती और यही उनकी कामयाबी है। विनोद खन्ना ने भी अपना प्रभाव छोड़ा।
यदि आप एक्शन फिल्म पसंद करते हैं और सलमान खान के प्रशंसक हैं, तो वांटेड आपके लिए तीखे मसालों के साथ, तो वांटेड 2 आज के दौर की सोशल मीडिया के इंस्टाग्राम की तरह होगी। तो दोस्तों कमेंट करके हमें बताइए कि वांटेड 2 का कितना इंतजार है आपको। सलमान खान एक्टर क्यों नहीं बनना चाहते थे? सलमान खान की वांटेड 2 कब शुरू होने वाली? सलमान खान ने जब फिल्मी करियर की शुरुआत की थी तो कितने किलोग्राम के थे? उन्होंने किस फिल्म के लिए दुआ मांगी कि दर्शक उनकी ये फिल्म ना देखे? उनसे किसने कहा कि तुम्हारे साथ जो हमेशा खड़ा रहेगा वो तुम ही हो? वांटेड फिल्म की कहानी क्या है और वांटेड 2 फिल्म की कहानी क्या होगी? आपका स्वागत है बॉलीग्राड के गलियारे में। सलमान खान का फिल्मी सफर उतार चढ़ाव से भरा रहा है। उनके करियर में कई बार ऐसा समय आया जब लगा कि करियर खत्म होने के कगार पर है। ये बात 2007 की, जब उनके फिल्म पार्टनर सुपरहिट रही, वे छा गए थे। लेकिन उसके बाद उनकी फिल्मों को लेकर खराब चॉइस की वजह से उनके स्टारडम को खतरा पैदा हो गया। उनकी युवराज भी फ्लॉप हो गई। सलमान खान का नाम आज बॉलीवुड के सुपरस्टार्स में शामिल है। बॉलीवुड की जानी मानी अभिनेत्रियां सलमान खान के साथ काम करना चाहती, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सलमान खान का सपना एक्टर बनने का नहीं, अपने अभिनय से दर्शकों का दिल जीतने वाले सलमान खान पहले निर्देशक बनना चाहते, लेकिन परिस्थितियों की वजह से उन्हें एक्टर बनना पड़ा। क्या आप जानते हैं वो कैसे फिल्म जगत से जुड़ गए? इस सवाल का जवाब देते हुए सलमान खान कहते हैं, मैं डायरेक्टर बनना चाहता था, पहले मैं असिस्टेंट था, उसके पहले मैं मॉडलिंग किया करता था। उस वक्त जो फिल्में बनती थी वो मोहल्ले का दादा, पुलिस इंस्पेक्टर, लॉयर, इस तरह के जॉनर की बनती थी। मैं इन फिल्मों में हीरो के लिए फिट ही नहीं था। पहले मैं 48 किलो का हुआ करता था। मैं लोगों के पास अपनी स्क्रिप्ट लेकर जाता था तो लोग बोलते थे, नहीं अभी बहुत यंग हो। सलमान बताते हैं, उसी समय फिल्म बीवी हो तो ऐसी ऑफर हुई। मैंने स्क्रिप्ट को सुनकर मैंने फिल्म साइन कर ली, लेकिन फिल्म में अपना काम देखा तो मैंने दुआएं मांगी कि कोई फिल्म ना देखे। पहली बार कोई ऐसा एक्टर होगा जिसने पहली फिल्म के लिए दुआएं मांगी होगी कि कोई फिल्म ना देखे। इसके बाद फिल्म आई मैंने प्यार किया और इसके बाद मैंने वापस मुड़कर नहीं देखा। सलमान खान कहते हैं, एक समय ऐसा आया कि मैंने काम छोड़ दिया और पार्टी में बिजी हो गया। एक दिन पापा ने मैंने प्यार किया को देखने के लिए लगी सिनेमाघरों की भीड़ को देखकर फोन किया। मैं उनके रिएक्शन को देखने के लिए उत्साहित। करीब रात के 2:30 बज रहे तभी मेरी माँ कमरे में आई और कहा, तुझे क्या लगता कि तू स्टार बनेगा? मैंने कहा, मुझे नहीं पता, आप बताओ। उन्होंने मेरे गाल पर हाथ लगाया और कहा, तुम्हारे साथ जो हमेशा खड़ा रहेगा वो तुम ही हो और कोई तुम्हारे काम नहीं आएगा। ये बात 2009 की। सलमान खान बुरे दौर से गुजर रहे, फिल्में लगातार फ्लॉप हो रही थी, सलमान खान को खत्म मान लिया गया था। इसी बीच एक फिल्म दबे पांव रिलीज हुई, नाम था वांटेड। सोचा भी नहीं था कि किसी ने, और ये फिल्म सुपरहिट हो गई। बस तब से सलमान खान ने पीछे पलटकर नहीं देखा और सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते सुल्तान तक जा पहुंचे। सुल्तान बनने के बाद तो टाइगर का रूप ले लिया। अब पुनर्जन्म होगा सिकंदर का रेस 3 में। वांटेड बनाई थी प्रभु देवा ने, मसाला फिल्म बनाने में वे माहिर है। लगा कि जल्द ही सलमान खान के साथ दूसरी फिल्म बनाएंगे, लेकिन कई वर्ष गुजर गए और दोनों ने साथ काम नहीं किया। प्रभु देवा ने कई बार इच्छा जताई कि वे सलमान खान को लेकर फिल्म बनाना चाहते हैं, तो दूसरी ओर सलमान खान दूसरे प्रोजेक्ट में इतने व्यस्त हो गए कि प्रभु की इच्छा पूरी ही नहीं कर पाए। अब जाकर दोनों साथ काम करने जा रहे हैं। प्रभु देवा और सलमान खान की फिल्म की योजना बन चुकी है, डेट तय होते ही काम शुरू होगा, हालांकि इसमें समय लगेगा। प्रभु देवा ने ये नहीं बताया कि किस तरह की फिल्म होगी, लेकिन अगर मीडिया खबरों की बात माने तो वांटेड 2 हो सकती। एक नई कहानी के साथ इसे पेश किया जा सकता है। वांटेड के निर्माता बोनी कपूर थे और वो भी सलमान खान के साथ लंबे समय से फिल्म बनाना चाह रहे। बोनी को निर्माता बनाकर ये प्रोजेक्ट शुरू हो सकता है। वांटेड तेलुगु फिल्म पोकरी की रिमेक थी। आज चारों ओर रेप जैसी घटना आम हो गई। अब बात करते हैं वांटेड फिल्म कैसी थी जिसने सलमान खान को फिर से सुपरस्टार बना दिया। सिनेमा घर में अंधेरा होते ही सलमान खान का शो शुरू हो जाता है। सलमान खान की एंट्री होती है एक्शन सीन से। एकदम दीवार के अमिताभ के स्टाइल में सलमान शटर गिराते हैं और उस पर ताला गुंडे लगाते हैं। उसके बाद उन 20-25 आदमियों की सल्लू जोरदार तरीके से धुलाई करते हैं। धांसू एक्शन सीन के तुरंत बाद धांसू गाना। गणेश जी की मूर्ति के सामने सलमान जलवा गाने पर ठुमके लगाते हैं। एक्शन और गाने से निर्देशक ने दिखा दिया कि राधे किस तरह का आदमी है। वो लोगों को गाजर मूली की तरह काटता है और भगवान के आगे सिर झुकाता है। राधे यानी सलमान खान एक शूटर, उसके चमचे उसे ब्रूसली का नाना और रैम्बो का चाचा कहते हैं। तुम जिस स्कूल में पढ़े हो उसका हेडमास्टर मेरे से ट्यूशन लेता है। जैसे घिसे पीटे डायलॉग भी वो बोलता है। पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है,
लेकिन टैरिये उसके भी कुछ उसूल है, औरतों और बच्चों पर वो हाथ नहीं उठाता। जो काम पसंद आता है वही करता है। शराब और खून जब इच्छा हो तब पीता है, और वो भी दबा के। गुटके को मौत का समान मानता है। एक बार कमिटमेंट कर लिया तो फिर वो अपने भी नहीं सुनता। एक्शन के बीच रोमांस भी जरूरी है। इस गुंडे नुमा शख्स के स्टाइल पर लड़कियां मरती हैं, क्योंकि हथियार से वो बहुत अच्छी तरह खेलता है। तुम गुंडे हो लेकिन दिल के अच्छे हो, कहकर इस हत्यारे पर जानवी यानी कि आयशा टकिया फिदा हो जाती है। लेकिन राधे के क्रूर रूप को देखकर वो सिहर उठती। मोटी ताजी जानवी पर दो लोग और फिदा हैं। अधेड़ उम्र का मकान मालिक यानी मनोज पावा, जो बीच बीच में दर्शकों को हंसाता है, और इंस्पेक्टर तलपदे यानी कि महेश मांजेकर, जिसकी हरकतों पर दर्शकों को गुस्सा आता है। गानी भाई यानी कि प्रकाश राज के लिए राधे काम करता है और उनके दुश्मनों को ठिकाने लगाता है। गानी भाई के खास आदमी का मर्डर हो जाता है और लड़कियों की कुश्ती देखने के शौकीन गानी भाई विदेश से भारत चले आते हैं। यहाँ आकर उन्हें खास राज मालूम पड़ता है, जिससे उनकी और राधे की दुश्मनी हो जाती है। कहानी में ट्विस्ट आता है और खून खराबे के पीछे राधे का मकसद क्या है, ये सभी को पता चलता है। तमिल फिल्म पोगरी पर आधारित वांटेड की कहानी धागे जैसी पतली है, उसमें नयापन भी नहीं है। आगे क्या होने वाला है ये सभी को पता रहता है। क्लाइमेक्स के थोड़ा पहले तक कहानी आगे खिसकती भी नहीं है, फिर भी फिल्म में रुचि बनी रहती है, क्योंकि निर्देशक प्रभु देवा ने दृश्यों को असेंबलिंग बहुत ही उम्दा तरीके से किया है। दर्शाया है। एक्शन, हास और रोमांस का मिश्रण बिल्कुल बराबर मात्रा में किया गया है। साथ ही उन्होंने सलमान खान को बेहतरीन तरीके से पेश किया है। सलमान के ढेर सारे प्रशंसक उन्हें इसी रूप में देखना पसंद करते। सलमान की जो इमेज है वो राधे के किरदार से बिल्कुल मेल खाती है। अक्खड़, थोड़ा बिगड़े लेकिन दिल का हीरा, बेखौफ, लार्जर देन लाइफ सी शख्सियत, अपनी मर्जी से जीने वाला, स्टाइलिश, औरतों की इज्जत करने वाला। लगता ही नहीं कि सलमान खान एक्टिंग कर रहे हैं। पूरी फिल्म में सलमान का प्रभुत्व। सल्लू की हीरोगिरी दिखाने के लिए स्क्रिप्ट की खामियों को भी नजरअंदाज कर दिया गया। सलमान खान के कारण दर्शक उन गलतियों को पचा लेते। सलमान पर सैकड़ों गोलियां चलती हैं और उन्हें खरोंच तक नहीं आती। वांटेड देखते समय दर्शक इन बातों की परवाह नहीं करते, क्योंकि उनके हीरो को गोली छू भी नहीं सकती। एक्शन इस फिल्म का प्रमुख आकर्षण। कई एक्शन स्टंट बेहतरीन बन पड़े हैं, जिनमें सलमान की एंट्री वाला सीन, आयशा को ट्रेन में छेड़ने वाले गुंडों की पिटाई वाले सीन और फिल्म का क्लाइमेक्स उल्लेखनीय है। संगीत की बात की जाए तो जलवा और लव में उम्दा है। हर गाने का फिल्मांकन खूबसूरत लोकेशंस पर भव्य तरीके से पेश किया गया है। तकनीकी रूप से फिल्म सशक्त। आयशा टाकिया ने सलमान का साथ उम्दा तरीके से निभाया। गनी भाई के रूप में प्रकाश राज ने अपनी छाप छोड़ी। पुलिस की गिरफ्त में रहकर उन्होंने खूब हंसाया। महेश मांजेकर को देख नफरत पैदा होती और यही उनकी कामयाबी है। विनोद खन्ना ने भी अपना प्रभाव छोड़ा। यदि आप एक्शन फिल्म पसंद करते हैं और सलमान खान के प्रशंसक हैं, तो वांटेड आपके लिए तीखे मसालों के साथ। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वांटेड तीखे मसालों की तरह है तो वांटेड 2 आज के दौर की सोशल मीडिया के इंस्टाग्राम की तरह होगी। तो दोस्तों कमेंट करके हमें बताइए कि वांटेड 2 का कितना इंतजार है। वांटेड के सीक्वल को हॉलीवुड एक्शन मूवीज के स्तर पर लाने के लिए क्या किया जा रहा है? इस सीक्वल को 400 करोड़ी फिल्म के रूप में क्यों देखा जा रहा है? साल 2018 के पहले 6 महीने किन 3 रियल लाइफ जोड़ों के नाम रहा? 2020 बॉलीवुड के सबसे बड़ा साल के रूप में क्यों देखा जा रहा है? सलमान खान किन अपनी 5 फिल्मों के सीक्वल में काम नहीं करेंगे? आपका स्वागत करते हैं बॉलीग्राड के गलियारे में। सलमान खान बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम है। उनके साथ काम करने की चाहत लगभग हर एक बॉलीवुड डायरेक्टर अपने सीने में पाले बैठा है, खास करके वो डायरेक्टर्स जो सलमान खान के साथ एक सुपरहिट फिल्म बना चुके हैं। इन डायरेक्टर्स का मानना है कि अगर उन्हें एक बार फिर से सलमान खान का साथ मिल जाए तो वो बॉक्स ऑफिस पर दोबारा इतिहास रच सकते हैं। हालांकि सलमान खान ऐसी बातों पर भरोसा नहीं करते हैं, वो नई कहानियों पर यकीन करते हैं और बदलते सिनेमा के साथ आगे बढ़ना पसंद करते हैं। एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी उसके बाद मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। अगर आप भी सलमान भाई के इस डायलॉग के कायल हैं तो आपको वांटेड भी याद होगी। फिल्म में भाई का जलवा बेमिसाल था। इस फिल्म का सीक्वल प्लान किया गया तो एक बार फिर सलमान के फैंस एक्साइटेड हो गए। फिल्म निर्माता बोनी कपूर लंबे समय से अपनी 2009 की हिट फिल्म
वांटेड का सीक्वल बनाना चाहते हैं, लेकिन सलमान खान की हां के इंतजार में वक्त बीतता जा रहा है। अब उन्होंने सलमान खान का इंतजार ना करने का फैसला कर लिया है। पिछले कुछ समय से सीक्वल की चर्चाएं हैं और ये भी कहा गया है कि सलमान बोनी को जानबूझकर इंतजार करा रहे हैं। इसकी वजह बोनी के बेटे अर्जुन कपूर हैं, जिनसे सलमान की नाराजगी जग जाहिर है। पिछले दिनों फिल्म रेस 3 के प्रमोशन के दौरान सलमान ने अपनी आने वाली फिल्मों के नाम गिनाए थे और उनमें वांटेड 2 का नाम नहीं लिया। संभवतः यही कारण है कि बोनी ने अब वांटेड 2 के लिए सलमान की जगह दूसरे एक्टर की खोज शुरू कर दी है और कुछ दिनों से टाइगर श्रॉफ का नाम सामने आ रहा है। वांटेड एक्शन फिल्म थी और टाइगर श्रॉफ आज सबसे प्रतिभाशाली एक्शन स्टार के रूप में उभरे हैं। हाल में खुद सलमान ने उनकी तारीफ की थी। सूत्रों का कहना है कि बोनी ने निर्देशक प्रभुदेवा से मिलकर पिछले दिनों बात की और कहा कि वांटेड के सीक्वल के लिए टाइगर को लिया जा सकता है। इसके बाद टाइगर से बोनी और उनकी टीम ने बातचीत की। कहा जा रहा है कि बोनी ब्लॉकबस्टर बनी बागी 2 के बाद टाइगर की इमेज को भुनाना चाहते हैं। तय है कि अगर टाइगर वांटेड में आते हैं तो इससे फिल्म को फायदा होगा। बोनी के करीबी सूत्र कह रहे हैं कि वांटेड 2 के लिए उनके पास बढ़िया कहानी है और टाइगर ने स्क्रिप्ट सुनने के लिए हाँ कर दी थी। बोनी फिल्म की बागडोर पहले ही प्रभु देवा को सौंप चुके हैं। उल्लेखनीय है कि 2009 में वांटेड ने ही सलमान को उस वक्त चल रहे उनके खराब दौर से उबारा था और इस फिल्म की सफलता के बाद उन्होंने आज तक पीछे मुड़कर नहीं देखा। सूत्रों के मुताबिक टाइगर ने अभी तक हाँ नहीं की है और उधर प्रभु देवा भी इन दिनों सलमान खान की दबंग 3 की प्री प्रोडक्शन में व्यस्त है। इस सीक्वल को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। जैसे सलमान खान को लेकर खबरें तो आती रहती थी, लेकिन बाद में जॉन इब्राहिम, टाइगर श्रॉफ के बाद हमारे सिंघम का नाम भी इस प्रोजेक्ट से जोड़ दिया गया है। हालांकि अजय देवगन अभी तानाजी फिल्म में व्यस्त है, क्योंकि तानाजी बॉलीवुड की सबसे बड़ी एक्शन फिल्म के रूप में देखी जा रही है। फिलहाल अजय देवगन ने अपनी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन मीडिया खबरों पर विश्वास किया जाए तो अभी तक अजय देवगन ही फाइनल है, क्योंकि वांटेड के सीक्वल को इंटरनेशनल एक्शन फिल्म की तरह बनाने की योजना की जा रही है। इसलिए अजय देवगन से बढ़िया एक्शन सुपरस्टार कोई और नहीं हो सकता है, ऐसा लोगों का मानना है। हालांकि सलमान खान के इस सफर के बीच कई बार उनकी हिट फिल्मों के सीक्वल्स की खबरें आती रहती है। हम आपको बताना चाहेंगे कि ये खबरें निराधार होती हैं। सलमान खान दबंग 3 के अलावा अपनी किसी भी फिल्म का सीक्वल नहीं कर रहे हैं। आज हम आपको भाईजान की ऐसी 5 फिल्मों की लिस्ट दिखाएंगे जिनके सीक्वल की खबरें लगातार आती रहती हैं। बॉलीवुड कलाकार और डायरेक्टर सतीश कौशिक ने साल 2003 में सलमान खान के साथ तेरे नाम जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म दी थी। इस फिल्म ने सलमान खान के करियर को एक अलग ही स्तर पर पहुंचा दिया था। जब ये फिल्म सिनेमाघरों में लगी थी तब हर किसी की जुबान पर बस एक ही नाम था, राधे भैया। तेरे नाम की रिलीज के बाद से ही दर्शक इसके सीक्वल का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन बता दें, भाईजान तेरे नाम 2 में काम करने के मूड में नहीं है। हाल के सालों में रिलीज हुई सलमान खान की सुल्तान बॉलीवुड की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक है। इसे डायरेक्टर अली अब्बास जफर ने बनाया था। जैसे ये फिल्म सिनेमाघरों में हिट हुई, हर कोई इसके सीक्वल के बारे में बात करने लगा। हालांकि सुल्तान के निर्माता इसका सीक्वल बनाने की प्लानिंग नहीं कर रहे हैं। फिल्म बजरंगी भाईजान में दर्शकों को सलमान खान का सीधा साधा अंदाज काफी पसंद आया था। दर्शकों ने डायरेक्टर कबीर खान से बजरंगी भाईजान का सीक्वल बनाने की गुजारिश कई बार की है, लेकिन वो इसे बनाने की नहीं सोच रहे हैं। करीना कपूर खान और सलमान खान की जोड़ी बॉक्स ऑफिस पर जब जब आती है तब तब धमाल मचाती है। बॉडीगार्ड के साथ भी ये सिलसिला जारी रहा था। दर्शकों को बॉडीगार्ड खूब पसंद आई थी, जिसके बाद इसके सीक्वल को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया था। हालांकि बॉडीगार्ड 2 अभी नहीं बन रही है। सलमान खान की फिल्में जब बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कारोबार नहीं कर रही थी, तब प्रभु देवा ने भाईजान के साथ वांटेड फिल्म बनाई थी। ये फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज होते ही हिट साबित हुई और इसके सीक्वल के कयास लगाए जाने लगे। हम आपको बता दें कि भाईजान वांटेड 2 कभी भी नहीं करने वाले हैं। फिल्म रेस 3 को प्रमोट करते वक्त उन्होंने खुद इस बात का खुलासा किया था।
साल 2018 की पहले 6 महीने बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छे रहे हैं। इन 6 महीनों में बॉलीवुड ने एक से बढ़कर एक फिल्में दी हैं। इन फिल्मों को न केवल दर्शकों ने दिल खोलकर प्यार दिया है बल्कि इन्होंने बॉक्स ऑफिस पर भी ताबड़तोड़ कमाई की है। इस साल की बॉलीवुड फिल्में बॉक्स ऑफिस पर जिस तरह का प्रदर्शन कर रही हैं, उनसे इंडस्ट्री के फिल्मकारों को ये शक्ति मिली है कि वो बिग बजट फिल्मों पर दांव खेल सकते हैं। बीते कुछ महीनों में हमने ये देखा भी है कि इंडस्ट्री ने कई सारी बिग बजट फिल्मों का ऐलान किया है। आज हम अपनी इस वीडियो में आपको बॉलीवुड के द्वारा साल 2020 में रिलीज की जाने वाली उन 5 फिल्मों की लिस्ट दिखाएंगे जो बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड्स की छड़ी लगाकर रख देंगी। पहली है इंसा अल्लाह, ईद 2020। साल 2020 की पहली बड़ी फिल्म सलमान खान और संजय लीला भंसाली की इंसा अल्लाह होने वाली है। दोनों लगभग 11 साल के बाद एक दूसरे से हाथ मिलाने जा रहे हैं। सलमान संजय ने खामोशी, संवरिया और हम दिल दे चुके सनम जैसी फिल्मों में साथ काम किया। फिल्म इंसा अल्लाह के बारे में वैसे तो ज्यादा जानकारी हाथ नहीं लगी है, लेकिन बताया जा रहा है कि भंसाली की तरफ से एक और पीरियड ड्रामा हो सकती है। दूसरी है समसेरा, 31 जुलाई 2020। हाल ही में यशराज बैनर ने अपनी बिग बजट पीरियड ड्रामा समसेरा की रिलीज डेट का ऐलान किया है। इस फिल्म में संजय दत्त और रणबीर कपूर पहली बार हाथ मिलाने जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि समसेरा की कहानी 18वीं सदी की होगी, जब भारत पर अंग्रेजों का राज हुआ करता था। रणबीर कपूर इसमें एक डाकू का किरदार निभाते दिखेंगे। फिल्म में आदित्य चोपड़ा की पसंदीदा हीरोइन वाणी कपूर रणबीर कपूर के अपोजिट दिखाई देंगी। तीसरी फिल्म है रणभूमि, दिवाली 2020। कुछ महीनों पहले ही करण जौहर ने वरुण धवन की इस फिल्म का ऐलान किया है। डायरेक्टर शशांक खेतान के द्वारा बनाई जा रही इस फिल्म में वरुण धवन एक योद्धा का किरदार निभाते दिखेंगे। ये वरुण धवन के कैरियर की सबसे बड़ी फिल्म बताई जा रही है। रणभूमि के लिए किसी हीरोइन का ऐलान अभी तक नहीं किया गया है, लेकिन बताया जा रहा है कि इसमें आलिया भट्ट एक बार फिर से वरुण के साथ दिखाई दे सकती है। चौथी है रैम्बो, अक्टूबर 2020। टाइगर श्रॉफ की रैम्बो को लेकर बीते दिनों ऐसी खबरें सामने आई थी कि ये बंद होने की कगार पर है। हालांकि डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद ने अपने मीडिया इंटरेक्शन में ये साफ किया है कि ये फिल्म बंद नहीं हुई है, बल्कि कुछ समय के लिए टली है। टाइगर श्रॉफ और सिद्धार्थ आनंद रैम्बो को साल 2019 के मध्य में शुरू करेंगे और साल 2020 में रिलीज करेंगे। पांचवे नंबर पर है क्रिसमस 2020। साल 2020 की शुरुआत भाई जान अपनी फिल्म के साथ करेंगे, लेकिन इसका अंत ऋतिक रोशन करेंगे। राकेश रोशन ने इसी साल ऋतिक के जन्मदिन पर इस बात का ऐलान किया था कि वो क्रिस 4 को साल 2020 के क्रिसमस पर रिलीज करेंगे। राकेश रोशन ने मीडिया को ये भी बताया था कि प्रियंका चोपड़ा भी क्रिस 4 का हिस्सा होंगी। बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री ने साल 2018 के पहले 6 महीने का सफर पूरा कर लिया है। साल के फर्स्ट हाफ में जो फिल्में रिलीज हुई हैं, उनकी कमाई को देखकर ये कहा जा सकता है कि इंडस्ट्री पिछले साल के मुकाबले प्रॉफिट में चल रही है। जहां बीते साल बड़ी बड़ी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर धूल चढ़ती नजर आई थी, वहीं इस साल हर बड़ी फिल्म ने अच्छे आंकड़े दर्ज कराए हैं। ये बॉलीवुड के लिए सकारात्मक संकेत है। इससे उम्मीद की जा सकती है कि 2018 के बचे हुए 6 महीने भी इंडस्ट्री के लिए अच्छे जाएंगे। अगर साल 2018 के पहले 6 महीने में रिलीज हुई फिल्मों की लिस्ट देखें, तो एक बहुत ही गजब बात पता चलती है। इन 6 महीनों में 90 के दशक के किसी बड़े कलाकार की फिल्म ने चौंकाने वाली कमाई नहीं की है। इसके उलट नई जनरेशन के कलाकारों ने अपना जलवा बिखेरा। इन नए कलाकारों में से भी 3 रियल लाइफ जोड़ियां लोगों के दिलो दिमाग पर पूरी तरह से छाई रही है। आज हम आपको इन्हीं 3 जोड़ियों की फिल्मों और उनके द्वारा की गई कमाई के बारे में बताएंगे। पहली जोड़ी है रणबीर और आलिया की, संजू और राजीव। कमाई 325 करोड़ 98 लाख रुपए। रणबीर कपूर और आलिया भट्ट दोनों बॉलीवुड की नई जनरेशन के सबसे बेहतरीन कलाकार हैं। इन्होंने अपनी अदाकारी से करोड़ों लोगों को दीवाना बनाया। साल 2018 में ये दोनों एक साथ नहीं आए, लेकिन इन दोनों की फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर खूब धूम मचाई है। जहां आलिया की राजी ने सिनेमाघरों में 123 करोड़ 47 लाख रुपए का कारोबार किया था,
वहीं रणबीर कपूर की संजू मात्र 7 दिनों में 202 करोड़ 51 लाख रुपए का कारोबार कर चुकी थी। दूसरी जोड़ी है रणबीर और दीपिका की फिल्म पद्मावत, कमाई 302 करोड़ 15 लाख रुपए। पद्मावत साल 2018 की सबसे विवादित और सबसे सफल फिल्म थी। इस साल आई किसी भी फिल्म की रिलीज पर इतना विवाद नहीं हुआ। इस फिल्म में जहां रणवीर सिंह ने अलाउद्दीन खिलजी का किरदार निभाया था, वहीं दीपिका पादुकोण ने रानी पद्मावती का किरदार निभाया था। इन दोनों ही कलाकारों को फिल्म के लिए काफी सराहना मिली थी। रणबीर और दीपिका के साथ साथ इसमें शाहिद कपूर भी थे, जिन्होंने राजा रतन सिंह का किरदार निभाया था। डायरेक्टर संजय लीला भंसाली के इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 302 करोड़ 15 लाख रुपए की ताबड़तोड़ कमाई की थी। और तीसरी जोड़ी है टाइगर श्रॉफ और दिशा पटानी की फिल्म बागी 2, कमाई 164 करोड़ 38 लाख रुपए, साल 2018 की सबसे बड़ी उपलब्धि। अगर कोई कलाकार है तो वो टाइगर श्रॉफ है। उनकी बागी 2 ने बॉक्स ऑफिस पर जिस तरह का तहलका मचाया था, उससे साफ हो गया है कि बॉलीवुड को एक नया मास स्टार मिल गया है। फिल्म बागी 2 में दिशा पटानी की अदाकारी को भी सराहा गया था। दोनों कलाकार काफी लंबे समय से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने बागी 2 के लिए पहली बार हाथ मिलाया था। आज के लिए बस इतना ही। आप हमें कमेंट करके बताइए कि वांटेड के सीक्वल में किस हीरो को होना चाहिए, सलमान खान, अजय देवगन या टाइगर श्रॉफ। अगर ये फिल्म बनती है तो बॉक्स ऑफिस पर कितने करोड़ का बिक। सलमान खान का फिल्मी सफर उतार चढ़ाव से भरा रहा है। उनके करियर में कई बार ऐसा समय आया जब लगा कि करियर खत्म होने के कगार पर है। ये बात 2007 की, जब उनकी फिल्म पार्टनर सुपरहिट रही, वे छा गए थे। लेकिन उसके बाद उनकी फिल्मों को लेकर खराब चॉइस की वजह से उनके स्टारडम को खतरा पैदा हो गया। उनकी युवराज भी फ्लॉप हो गई। सलमान खान एक्टर क्यों नहीं बनना चाहते थे? सलमान खान की वांटेड 2 कब शुरू होने वाली? सलमान खान ने जब फिल्मी करियर की शुरुआत की थी तो कितने किलोग्राम के थे? उन्होंने किस फिल्म के लिए दुआ मांगी कि दर्शक उनकी ये फिल्म ना देखे? उनसे किसने कहा कि तुम्हारे साथ जो हमेशा खड़ा रहेगा वो तुम ही हो? वांटेड फिल्म की कहानी क्या है और वांटेड 2 फिल्म की कहानी क्या होगी? आपका स्वागत है बॉलीग्राज के गलियारे में। सलमान खान का नाम आज बॉलीवुड के सुपरस्टार्स में शामिल है। बॉलीवुड की जानी मानी अभिनेत्रियां सलमान खान के साथ काम करना चाहती, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सलमान खान का सपना एक्टर बनने का नहीं, अपने अभिनय से दर्शकों का दिल जीतने वाले सलमान खान पहले निर्देशक बनना चाहते, लेकिन परिस्थितियों की वजह से उन्हें एक्टर बनना पड़ा। क्या आप जानते हैं वो कैसे फिल्म जगत से जुड़ गए? इस सवाल का जवाब देते हुए सलमान खान कहते हैं, मैं डायरेक्टर बनना चाहता था, पहले मैं असिस्टेंट था, उसके पहले मैं मॉडलिंग किया करता था। उस वक्त जो फिल्में बनती थी वो मोहल्ले का दादा, पुलिस इंस्पेक्टर, लॉयर, इस तरह के जॉनर की बनती थी। मैं इन फिल्मों में हीरो के लिए फिट ही नहीं था। पहले मैं 48 किलो का हुआ करता था। मैं लोगों के पास अपनी स्क्रिप्ट लेकर जाता था तो लोग बोलते थे, नहीं अभी बहुत यंग हो। सलमान बताते हैं, उसी समय फिल्म बीवी हो तो ऐसी ऑफर हुई। मैंने स्क्रिप्ट को सुनकर मैंने फिल्म साइन कर ली, लेकिन फिल्म में अपना काम देखा तो मैंने दुआएं मांगी कि कोई फिल्म ना देखे। पहली बार कोई ऐसा एक्टर होगा जिसने पहली फिल्म के लिए दुआएं मांगी होगी कि कोई फिल्म ना देखे। इसके बाद फिल्म आई मैंने प्यार किया और इसके बाद मैंने वापस मुड़कर नहीं देखा। सलमान खान कहते हैं, एक समय ऐसा आया कि मैंने काम छोड़ दिया और पार्टी में बिजी हो गया। एक दिन पापा ने मैंने प्यार किया को देखने के लिए लगी सिनेमाघरों की भीड़ को देखकर फोन किया। मैं उनके रिएक्शन को देखने के लिए उत्साहित। करीब रात के 2:30 बज रहे तभी मेरी माँ कमरे में आई और कहा, तुझे क्या लगता है कि तू स्टार बनेगा? मैंने कहा, मुझे नहीं पता, आप बताओ। उन्होंने मेरे गाल पर हाथ लगाया और कहा, तुम्हारे साथ जो हमेशा खड़ा रहेगा वो तुम ही हो और कोई तुम्हारे काम नहीं आएगा। ये बात 2009 की। सलमान खान बुरे दौर से गुजर रहे, फिल्में लगातार फ्लॉप हो रही थी। सलमान खान को खत्म मान लिया गया था। इसी बीच एक फिल्म दबे पांव रिलीज हुई, नाम था वांटेड। सोचा भी नहीं था कि किसी ने, और ये फिल्म सुपरहिट हो गई। बस तब से सलमान खान ने पीछे पलटकर नहीं देखा और सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते सुल्तान तक जा पहुंचे। सुल्तान बनने के बाद तो टाइगर का रूप ले लिया। अब पुनर्जन्म होगा सिकंदर का रेस 3 में।
वांटेड बनाई थी प्रभु देवा ने। मसाला फिल्म बनाने में वे माहिर हैं। लगा कि जल्द ही सलमान खान के साथ दूसरी फिल्म बनाएंगे, लेकिन कई वर्ष गुजर गए और दोनों ने साथ काम नहीं किया। प्रभु देवा ने कई बार इच्छा जताई कि वे सलमान खान को लेकर फिल्म बनाना चाहते हैं, तो दूसरी ओर सलमान खान दूसरे प्रोजेक्ट में इतने व्यस्त हो गए कि प्रभु की इच्छा पूरी ही नहीं कर पाए। अब जाकर दोनों साथ काम करने जा रहे हैं। प्रभु देवा और सलमान खान की फिल्म की योजना बन चुकी है, डेट तय होते ही काम शुरू होगा, हालांकि इसमें समय लगेगा। प्रभु देवा ने ये नहीं बताया कि किस तरह की फिल्म होगी, लेकिन अगर मीडिया खबरों की बात माने तो वांटेड 2 हो सकती है। एक नई कहानी के साथ इसे पेश किया जा सकता है। वांटेड के निर्माता बोनी कपूर थे और वो भी सलमान खान के साथ लंबे समय से फिल्म बनाना चाह रहे। बोनी को निर्माता बनाकर ये प्रोजेक्ट शुरू हो सकता है। वांटेड तेलुगु फिल्म पोकरी की रिमेक थी। इस बात से नकारा नहीं जा सकता है कि वांटेड सलमान के करियर की कमबैक फिल्म थी। उस दौरान सलमान खान की कई फिल्में फ्लॉप हो रही और उनका करियर खत्म माना जा रहा। उसके बाद ही सलमान खान ने प्रभु देवा के साथ इस फिल्म में काम किया। फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई और सलमान खान के करियर ने फिर से उड़ान भरी। सलमान खान को लेकर दबंग और दबंग 2 जैसी फिल्म के बाद अब इस फ्रेंचाइजी की तीसरी फिल्म बनाने की चर्चा है। प्रभु देवा ने डेक्कन क्रॉनिकल को दिए गए एक इंटरव्यू में इस बात की पुष्टि की। उन्होंने है वो फिल्म की डिटेल्स को लेकर फाइनल करने के लिए मुंबई गए थे। अब वो ये कह सकते हैं कि सलमान खान और अरबाज खान के साथ फिल्म दबंग 3 बनाएंगे। उन्होंने कहा वो दोनों के साथ काफी लंबे समय से जुड़े हुए हैं और उन्हें ना कहने का सवाल ही नहीं उठता। प्रभु देवा ने फिल्म की डिटेल्स को लेकर भी खुलासा किया। उन्होंने कहा फिल्म में किसी भी चीज को लेकर कोई बदलाव नहीं होगा, फिल्म की कास्टिंग वही रहेगी। इसके अलावा फिल्म के म्यूजिक के लिए भी साजिद वाजिद की जोड़ी को बरकरार रखा जाएगा। उन्होंने कहा फिल्म में वही बस नया चेहरा है, उनके अलावा सब कुछ वैसे का वैसा ही है। दबंग 3 के बाद वांटेड 2 पर काम शुरू होगा, जिसमें राधे के नए अवतार को आज के परिप्रेक्ष्य में दिखाया जाएगा, क्योंकि समाज को राधे जैसे इंसान की जरूरत है जो बुराई को समाप्त कर सके। आज चारों ओर रेप जैसी घटना आम हो गई। अब बात करते हैं वांटेड फिल्म कैसी थी, जिसने सलमान खान को फिर से सुपरस्टार बना दिया। सिनेमा घर में अंधेरा होते ही सलमान खान का शो शुरू हो जाता है। सलमान खान की एंट्री होती है एक्शन सीन से। एकदम दीवार के अमिताभ के स्टाइल में सलमान शटर गिराते हैं और उस पर ताला गुंडे लगाते हैं। उसके बाद उन 20-25 आदमियों की सल्लू जोरदार तरीके से धुलाई करते हैं। धांसू एक्शन सीन के तुरंत बाद धांसू गाना। गणेश जी की मूर्ति के सामने सलमान जलवा गाने पर ठुमके लगाते हैं। एक्शन और गाने से निर्देशक ने दिखा दिया कि राधे किस तरह का आदमी है। वो लोगों को गाजर मूली की तरह काटता है और भगवान के आगे सिर झुकाता है। राधे यानी सलमान खान एक शूटर, उसके चमचे उसे ब्रूसली का नाना और रैम्बो का चाचा कहते हैं। तुम जिस स्कूल में पढ़े हो उसका हेडमास्टर मेरे से ट्यूशन लेता है, जैसे घिसे पीटे डायलॉग भी वो बोलता है। पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है, लेकिन टैरिये उसके भी कुछ उसूल है। औरतों और बच्चों पर वो हाथ नहीं उठाता, जो काम पसंद आता है वही करता है। शराब और खून जब इच्छा हो तब पीता है, और वो भी दबा के। गुटके को मौत का सामान मानता है, एक बार कमिटमेंट कर लिया तो फिर वो अपने भी नहीं सुनता। एक्शन के बीच रोमांस भी जरूरी है। इस गुंडे नुमा शख्स के स्टाइल पर लड़कियां मरती हैं, क्योंकि हथियार से वो बहुत अच्छी तरह खेलता है। तुम गुंडे हो लेकिन दिल के अच्छे हो, कहकर इस हत्यारे पर जानवी यानी कि आयशा टकिया फिदा हो जाती है। लेकिन राधे के क्रूर रूप को देखकर वो सिहर उठती। मोटी ताजी जानवी पर दो लोग और फिदा हैं, अधेड़ उम्र का मकान मालिक यानी मनोज पावा, जो बीच बीच में दर्शकों को हंसाता है, और इंस्पेक्टर तलपदे यानी कि महेश मांजेकर, जिसकी हरकतों पर दर्शकों को गुस्सा आता है। गानी भाई यानी कि प्रकाश राज के लिए राधे काम करता है और उनके दुश्मनों को ठिकाने लगाता है। गानी भाई के खास आदमी का मर्डर हो जाता है और लड़कियों की कुश्ती देखने के शौकीन गानी भाई विदेश से भारत चले आते हैं। यहाँ आकर उन्हें खास राज मालूम पड़ता है, जिससे उनकी और राधे की दुश्मनी हो जाती है। कहानी में ट्विस्ट आता है और खून खराबे के पीछे राधे का मकसद क्या है, ये सभी को पता चलता है। तमिल फिल्म पोकरी पर आधारित वांटेड की कहानी धागे जैसी पतली है, उसमें नयापन भी नहीं है। आगे क्या होने वाला है ये सभी को पता रहता है। क्लाइमेक्स के थोड़ा पहले तक कहानी आगे खिसकती भी नहीं है, फिर भी फिल्म में रुचि बनी रहती है, क्योंकि निर्देशक प्रभु देवा ने दृश्यों को असेंबलिंग बहुत ही उम्दा तरीके से किया है। दर्शाया है एक्शन, हास और रोमांस का मिश्रण बिल्कुल बराबर मात्रा में किया गया है। साथ ही उन्होंने सलमान खान को बेहतरीन तरीके से पेश किया है। सलमान के ढेर सारे प्रशंसक उन्हें इसी रूप में देखना पसंद करते। सलमान की जो इमेज है वो राधे के किरदार से बिल्कुल मेल खाती है। अक्खर थोड़ा बिगड़े लेकिन दिल का हीरा, बेखौफ, लार्जर देन लाइफ सी शख्सियत, अपनी मर्जी से जीने वाला,
स्टाइलिश, औरतों की इज्जत करने वाला। लगता ही नहीं कि सलमान खान एक्टिंग कर रहे हैं। पूरी फिल्म में सलमान का प्रभुत्व। सल्लू की हीरोगिरी दिखाने के लिए स्क्रिप्ट की खामियों को भी नजरअंदाज कर दिया गया। सलमान खान के कारण दर्शक उन गलतियों को पचा लेते। सलमान पर सैकड़ों गोलियां चलती हैं और उन्हें खरोंच तक नहीं आती। वांटेड देखते समय दर्शक इन बातों की परवाह नहीं करते, क्योंकि उनके हीरो को गोली छू भी नहीं सकती। एक्शन इस फिल्म का प्रमुख आकर्षण। कई एक्शन स्टंट बेहतरीन बन पड़े हैं, जिनमें सलमान के एंट्री वाला सीन, आयशा को ट्रेन में छेड़ने वाले गुंडों की पिटाई वाले सीन और फिल्म का क्लाइमेक्स उल्लेखनीय है। संगीत की बात की जाए तो जलवा और लव मी उम्दा है। हर गाने का फिल्मांकन खूबसूरत लोकेशंस पर भव्य तरीके से पेश किया गया है। तकनीकी रूप से फिल्म सशक्त। आयशा टाकिया ने सलमान का साथ उम्दा तरीके से निभाया। गनी भाई के रूप में प्रकाश राज ने अपनी छाप छोड़ी। पुलिस की गिरफ्त में रहकर उन्होंने खूब हंसाया। महेश मांजरेकर को देख नफरत पैदा होती और यही उनकी कामयाबी है। विनोद खन्ना ने भी अपना प्रभाव छोड़ा। यदि आप एक्शन फिल्म पसंद करते हैं और सलमान खान के प्रशंसक हैं, तो वांटेड आपके लिए तीखे मसालों के साथ। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वांटेड तीखे मसालों की तरह है तो वांटेड 2 आज के दौर की सोशल मीडिया के इंस्टाग्राम की तरह होगी। तो दोस्तों, कमेंट करके हमें बताइए कि वांटेड 2 का कितना इंतजार है आपको। सलमान खान अपने पसंदीदा डायरेक्टर संजय लीला भंसाली के साथ फिल्म कर सकते हैं। आने वाली फिल्मों पर बात करते हुए सलमान खान ने कहा, मैं दबंग 3 किक 2, भारत और रेमो की डांस फिल्म कर रहा हूं और संजय लीला भंसाली आकर मुझे स्क्रिप्ट सुनाए तो शायद वो फिल्म। हालांकि सलमान ने ये बात मजाक में कही है, लेकिन यदि ऐसा हो जाए तो फैंस को जबरदस्त सरप्राइज मिल सकता है। सलमान खान संजय लीला भंसाली की जोड़ी ने खामोशी और हम दिल दे चुके शर्म जैसी सुपरहिट फिल्में दी हैं। फिल्म देवदास में जब संजय लीला भंसाली ने शाहरुख को साइन किया था तो सलमान काफी नाराज हुए थे। फिल्म में ऐश्वर्या राय के साथ सलमान रहना चाहते थे, लेकिन भंसाली ने ऐसा होने नहीं दिया। तभी से सलमान भंसाली से नाराज है। सलमान को भंसाली से इस कदर गुस्सा था कि गुजारिश के दौरान उन्होंने कह दिया था, उस फिल्म को तो कुत्ता भी देखने नहीं जाएगा। अब तक दोनों में कुछ खास दोस्ती तो नहीं हुई है, लेकिन अब दुश्मनी भी खत्म हो चुकी है। उम्मीद है जल्द भंसाली सलमान के साथ अगली फिल्म बनाएंगे। वहीं 200 करोड़ के भारी भरकम बजट पर बन रही है अली अब्बास जफर की फिल्म भारत। भारत में सलमान खान के अपोजिट प्रियंका चोपड़ा और दिशा पटानी फाइनल हो चुकी। शेर खान सलमान खान की ये फिल्म काफी पहले चर्चा में आई थी। फिल्म में सलमान खान के भाई सुहेल खान बनाने वाले हैं। बीच में फिल्म के डिब्बा बंद होने की खबर थी, लेकिन सलमान ने कन्फर्म कर दिया कि फिल्म की स्क्रिप्ट पूरी हो चुकी है। क्या वांटेड 2 के डायरेक्टर प्रभुदेवा होंगे? बोनी कपूर इस बार वांटेड 2 में किस हीरो को कास्ट करना चाहते हैं? और इस फिल्म का फर्स्ट लुक कब रिलीज हो रहा है? नमस्कार दोस्तों, मैं गरिमा सिंह और आप सभी का दिल से स्वागत है हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आजकल बॉलीवुड के सुपरस्टार यानी कि सलमान खान और प्रभुदेवा दबंग 3 फिल्म साथ कर रहे हैं। सबसे खास बात है कि प्रभुदेवा 10 साल के बाद सलमान खान से जुड़े हैं, तो इसीलिए उम्मीदें की जा रही है कि ये फिल्म रिलीज के साथ ही धमाल मचाने वाली है। आपको बता दें, ये फिल्म 20 दिसंबर 2019 को रिलीज होने वाली है। तो इसी बीच अगर बात करें सलमान खान की एक और ब्लॉकबस्टर फिल्म की यानी कि वांटेड की, तो वांटेड वो फिल्म है जिसने सलमान खान के डूबते करियर को एक नई उड़ान दी थी और यही वजह है कि ये फिल्म सलमान खान के दिल के भी बेहद करीब है। तो जहां आजकल फिल्मी गलियारों में इस फिल्म के सीक्वल की चर्चाएं जोरों शोरों पर है, तो ऐसे में सलमान खान और प्रभु देवा का नाम साथ में आना तो लाजमी है। लेकिन जहां सलमान खान की एक तरफ बढ़ती उम्र है, तो दूसरी ओर बॉलीवुड के नए नए सुपरस्टार का उदय भी हो रहा है। लेकिन इस फिल्म में और कोई स्टार नजर आ ही नहीं सकता, क्योंकि सलमान खान से बेहतर इस रोल को भला कौन प्ले कर सकता है। इसीलिए जब बोनी कपूर से भी पूछा गया कि वो अपनी इस फिल्म में किस हीरो को कास्ट करना चाहते हैं, तो उन्होंने भी कहा कि ऑफ कोर्स सलमान खान, उनसे बेहतर इस रोल को कौन प्ले कर सकता है। वहीं आपको बता दें कि बोनी कपूर से सलमान खान के रिश्ते आज भी उतने ही अच्छे हैं। थोड़ी बहुत नोकझोंक तो चलती रहती है और सबसे बड़ी बात ये है कि सलमान खान अपने पर्सनल और अपनी प्रोफेशनल लाइफ दोनों को बेहद अलग रखते हैं, जो हर किसी इंसान के सक्सेस होने का सबसे बड़ा रीजन होता है। तो वहीं जहां फिल्म में हीरो इंपॉर्टेंट होता है, तो उतना ही इंपॉर्टेंट होता है फिल्म का विलन। और वैसे भी वांटेड के प्रकाश राज तो आपको अच्छे से याद होंगे। आपको बता दें कि वांटेड 2 में भी उनका एक रोल रखा गया है और साथ ही साथ साउथ के एक और सुपरस्टार की भी एंट्री हो सकती है। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि शायद इस बार वांटेड 2 में सलमान खान सिर्फ कैमियो ही करते नजर आएंगे।
वेल, ये तो टाइम आने पर ही पता चलेगा। अब अगर बात करें कि फिल्म का फर्स्ट लुक कब रिलीज होगा, तो आपको बता दें कि दबंग 3 के ट्रेलर के साथ ही इस फिल्म का फर्स्ट लुक भी रिलीज किया जा सकता है। साथ ही साथ ये भी माना जा रहा है कि ये फिल्म अपने फर्स्ट वीकेंड तक 500 करोड़ का कलेक्शन आराम से कर लेगी। तो दोस्तों, आप कितना एक्साइटेड हो इस फिल्म को लेकर? और आपके लिए एक सवाल कि इस फिल्म में इस बार एक्ट्रेस कौन होनी चाहिए, नीचे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर बताएं। ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राद स्टूडियोज। नाम बनती तो सलमान खान, क्या नहीं बन पाते सुपरस्टार? सलमान से पहले ये फिल्म किसे ऑफर की गई थी? सलमान के एक्ट्रेस और इस फिल्म की हीरोइन आयशा टाकिया को क्या फिल्मों के सेट पर परेशान किया जाता था? वांटेड 2 कब तक रिलीज हो सकती है? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राद स्टूडियोज, मैं हूं सोनिका जिवाल। वांटेड से जुड़े दिलचस्प किस्सों की बात करेंगे और साथ ही वांटेड 2 कब तक आएगी इस बारे में भी बात करेंगे। वांटेड से शुरू करते हैं दोस्तों। साल 2009 में रिलीज हुई थी। पूरी जगन्नाथ और प्रभु देवा ने इसे डायरेक्ट किया था, प्रोड्यूस किया था बोनी कपूर ने, और इस फिल्म के गाने उस वक्त बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए। फिल्म भी पॉपुलर हुई। मेरा ही जलवा, लम्मी लम्मी, मोस्ट वांटेड टीवी और एफएम पर इतना बजाया जाता था कि टॉप 10 में ये गाने शुमार हो गए। बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करूँ तो 52 करोड़ के बजट में बनाया गया था। 60 करोड़ इसने इंडिया में कमाए और 93 करोड़ की कमाई की थी वर्ल्ड वाइड, यानी कि हिट फिल्म साबित हुई थी। 1400 स्क्रीन्स पर रिलीज की गई थी और उस वक्त बॉक्स ऑफिस की रेस पर चौथे नंबर पर थी। उस वक्त पहले नंबर पर थी 3 इडियट्स, दूसरे पर थी लव आजकल, तीसरे पर अजब प्रेम की गजब कहानी, चौथे पर वॉन्टेड, पाँचवें पर थी दे दनादन, और वॉन्टेड को 6.6 की IMDb रेटिंग भी मिली थी। दोस्तों, ये एक साउथ इंडियन फिल्म पोकरी का हिंदी रीमेक थी जो कि साल 2006 में साउथ में रिलीज हुई थी। उसमें महेश बाबू नजर आए थे और फिर प्रभु देवा ने इसका हिंदी रीमेक बनाया, और प्रभु देवा की ये पहली डायरेक्टर डेब्यू फिल्म थी। और साथ ही इस फिल्म में सलमान को पहले अप्रोच नहीं किया गया था, शाहरुख को अप्रोच किया गया था, और इसके तेलुगु वर्जन को शाहरुख को दिखाया गया था। स्पेशली स्टोरी और आइडिया SRK को बहुत ज़्यादा पसंद आया, लेकिन उन्होंने फिल्म करने से इसीलिए मना कर दिया। उन्होंने कहा कि महेश बाबू ही इस फिल्म में बहुत सटीक बैठते हैं और साथ ही वो महेश बाबू की एक्शन को कॉपी नहीं करना चाहते थे, इसीलिए फिल्म को मना कर दिया। इसके बाद सल्लू के पास ये ऑफर गया और सलमान की किस्मत ही बदल गई इस फिल्म से, और इस फिल्म के एक्शन सीन्स उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। और जब सलमान को ये फिल्म दिखाई गई तो पूरी फिल्म उन्होंने आँख बंद कर देखी थी ताकि वो महेश बाबू का जो एक्शन है वो कॉपी ना कर पाएँ, और सिर्फ वो उस टाइम इस फिल्म को इसीलिए सुन रहे थे ताकि कि वो जान सके क्या फिल्म की स्टोरी है और जब ये फिल्म वो बनाएंगे तो कैसे उनकी डायलॉग डिलीवरी होगी। तो इसके बाद उन्होंने हाँ कर दी फिल्म को, और बस इसी फिल्म के बाद उनकी किस्मत चमक उठी। इसके पहले उनकी किसी भी सोलो फिल्म को इतनी तवज्जो नहीं दी जाती थी। तेरे नाम के बाद तो बहुत ज़्यादा फिल्में उनकी नहीं आई, और जो सोलो आई वो बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई। तो इसीलिए इस फिल्म को उनका मील का पत्थर भी कहा जाता है, क्योंकि इसी फिल्म ने उन्हें खास इंपॉर्टेंस दी थी बॉलीवुड में, और एक्शन सीन्स उनके बहुत ज़्यादा पसंद आए, और तभी से वो हार्डकोर एक्शन हीरो के तौर पर देखे जाने लगे। और शायद लोगों को एक्शन ही इतना ज़्यादा पसंद आता है, एक्टिंग में ध्यान नहीं देते, इसीलिए एक्शन के बलबूते पर ही सलमान खान ने सबका दिल जीत लिया। उसके बाद आप जानते ही हैं दबंग आई, रेडी आई, बॉडीगार्ड आई, ये सब फिल्में आई और उसके बाद सलमान खान बन गए सुपरस्टार। दोस्तों, फिल्म की हीरोइन की बात करें तो पहले आसिम को ही अप्रोच किया गया था, लेकिन डेट्स ना मिलने की वजह से इसके बाद इलियाना डिक्रूज को इस फिल्म के लिए अप्रोच किया गया, लेकिन उनके भी कॉलेज एग्जाम्स थे। उसके बाद आयशा टाकिया को फिल्म के लिए फाइनल किया गया। आयशा ने जैसे ही फिल्म के बारे में सुना उन्हें पसंद आई और उन्होंने हामी भर दी। इसके अलावा फिल्म की शूटिंग में बहुत ज़्यादा डिले हो गया था, पूरे 1.5 साल का अंतर पड़ गया था, क्योंकि इस फिल्म की बहुत सारी कास्ट साउथ से थी और इसी वजह से टाइम क्लैश हो रहा था, तो फिल्म की शूटिंग में भी लेट हो गई और ये फिल्म
को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि सलमान खान की हेयर स्टाइल हर सीन हर मोमेंट पर चेंज होती रहती है। बहुत सारी जगह आप नोटिस कर सकते हैं, जैसे किसी सीन में उनके छोटे बाल होते हैं काफ़ी, फिर बड़े होते हैं, फिर लंबे होते हैं। और जो ये लंबे बाल थे उन्होंने अपनी आने वाली फिल्मों के लिए किया था, जैसे कि मिस्टर और मिसेस खन्ना के लिए, और उसके बाद उनकी वीर आई जिसमें उनके लंबे बाल देखे गए थे, और लंदन ड्रीम्स, इसीलिए उनके लंबे बाल उन्होंने किए हुए थे। दोस्तों इसके अलावा आपको बता दूँ इस फिल्म की शूटिंग कहाँ हुई थी, और ये एक मुंबई बेस्ड गैंगस्टर फिल्म थी, इसीलिए मुंबई के ही ज़्यादातर सीन्स थे, साथ ही हैदराबाद, बैंकॉक, ग्रीस, थाईलैंड, यहाँ फिल्म के गानों की शूटिंग की गई थी। और एक किले का सीन आपने देखा होगा जो कि काफ़ी पॉपुलर है, वो शूट किया गया था गोलकोंडा फोर्ट में जो कि हैदराबाद में स्थित है। दोस्तों इस फिल्म की शूटिंग के दौरान ही आयशा टाकिया ने शादी कर ली थी, और फरहान आजमी से उन्होंने शादी कर ली थी, और लगभग उनका करियर यहीं से ख़त्म हो गया, उन्होंने संन्यास ले लिया। इसके बाद सिर्फ उन्होंने दो फिल्मों की आधी अधूरी जो शूटिंग छोड़ी थी वो पूरी की, पाठशाला में उन्होंने काम किया इसके बाद, जो शाहिद कपूर की फिल्म थी, और मोड़ में। उसके बाद वो फिल्म इंडस्ट्री से दूर हो गई, और मुंबई के उनके हस्बैंड हैं और मुंबई में उनके होटल्स भी हैं, और काफ़ी सुकून की ज़िंदगी अब वो जी रही हैं। और हाल ही में उन्होंने खुलासा किया कि वर्क प्लेस में और फिल्मों के सेट पर उन्हें बहुत ज़्यादा बुली किया जाता था, और उन्होंने, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत इस वक्त हमारे बीच नहीं रहे, उन्होंने सुसाइड की, इसी के बारे में उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि मुझे भी इसी तरह परेशान किया जाता था और छोटा महसूस किया जाता था। उन्होंने कहा कि कभी ऐसा ना करिए, उन सबको जवाब दीजिए अपने काम से, और अपने को खुद को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। ये मैसेज आयशा टाकिया ने दिया था, लेकिन उनका इस हिसाब से देखा जाए तो बॉलीवुड छोड़ने का जो डिसीजन था बहुत सही था, अगर उन्हें इतना परेशान टॉर्चर किया जाता था, और अब वो सुकून की ज़िंदगी जी रही हैं वो, जो कि बहुत अच्छी बात है। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं। इस फिल्म को प्रमोट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें की गई थी। सलमान खान ने CID उस वक्त बहुत ज़्यादा पॉपुलर था, पायरेसी से बचाने के लिए पूरे एक जो एपिसोड है उसमें पूरा का पूरा सलमान खान ने शूट किया था। इसके अलावा DID आता था, और मिथुन और सलमान खान की दोस्ती बहुत अच्छी थी, तो DID में मिथुन ने ऐलान किया था कि जो भी DID का विनर होगा उसे वांटेड में काम करने का मौका मिलेगा। तो सलमान यूसुफ उस वक्त विनर थे, और उन्हें मोस्ट वांटेड गाने में काम करने का मौका भी मिला। दोस्तों ये सलमान की पहली फिल्म थी जो ईद पर रिलीज़ हुई थी, और तभी से क्रेज़ हो गया कि ईद पर तो सलमान खान रिलीज़ करेंगे ही करेंगे, और हर ईद पर ईदी देने आते हैं सलमान खान के फैंस, बोलते हैं कि सल्लू की फिल्म नहीं आई है, हमें ईद पर ईदी देने आए हैं, तो सलमान खान की फिल्म हमेशा ये देखी जाती है। और उस वक्त बहुत ज़्यादा, क्योंकि ईद के मौके पर पहली बार कोई फिल्म रिलीज़ हो रही थी सलमान खान की, तो लंबे समय तक हाउसफुल भी रहा था। दोस्तों इस फिल्म में विनोद खन्ना सलमान खान के पिता के रोल में दिखे थे, और इससे पहले निश्चय में वो भाई के रोल में दिख चुके थे। इंद्र कुमार भी इस फिल्म में नज़र आए थे, और प्रकाश राज ने इस फिल्म में विनोद खन्ना और इंद्र कुमार को मार दिया था, और कोइंसिडेंट ये रहा कि इन दोनों की मौत एक ही साल में हुई। 2017 अप्रैल में विनोद खन्ना हमें छोड़कर गए, उसके बाद जुलाई के महीने में इंद्र कुमार भी दुनिया छोड़कर चले गए, तो इसे कोइंसिडेंट ही माना जाएगा। दोस्तों एक और चीज़ है, मेरा ही जलवा, उसमें अनिल कपूर ने गेस्ट अपीयरेंस किया था जो वांटेड में था, और उसके अलावा सलमान खान ने भी अनिल कपूर की दीवाना मस्ताना में गेस्ट अपीयरेंस किया था। तो ये थी सलमान खान की वांटेड से जुड़े तमाम किस्से। और अब वांटेड 2 की बात बताएं तो वांटेड 2 पर भी काम किया जा रहा है, सलमान खान खुद इसे प्रोड्यूस करने वाले हैं, बोनी कपूर को इसके प्रोडक्शन से हटा दिया गया है कुछ कारणों की वजह से, और जल्द ही ये फिल्म रिलीज़ होगी। फिलहाल कभी ईद कभी दिवाली की पहले शूटिंग होगी, उसके बाद किक 2 और वांटेड, यानी कि अगले साल ये फिल्में रिलीज़ हो सकती हैं। तो दोस्तों वांटेड 2 का आपको कितना इंतज़ार है हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर। बल्लू ने बोनी कपूर को आखिर बाहर क्यों किया, क्या होगी वांटेड 2 की कहानी, सलमान खान अपनी फिल्मों में हीरोइंस को किस क्यों नहीं करते, उनका इकलौता किसिंग सीन आखिर कैसे शूट किया गया था, कौन कौन से ऐसे एक्टर्स हैं जिन्होंने कभी लिप लॉक नहीं किया लेकिन बाद में लिप किस कर ही दिया। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉली ग्रैड स्टूडियोज, मैं हूं सोनिका जयाल। दोस्तों कुछ दिनों से सल्लू की वांटेड 2 को लेकर बहुत चर्चा है, वांटेड फिल्म ने सल्लू के डूबते करियर को एक बार फिर से उभारा था, इसीलिए ये उनके लिए बहुत ज़्यादा खास है, इसीलिए इस फिल्म
का प्रोडक्शन वो खुद कर रहे हैं। वॉन्टेड को बोनी कपूर ने प्रोड्यूस किया था, लेकिन अब वो फिल्म को प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं और सलमान खान नहीं चाहते कि बोनी इस फिल्म को प्रोड्यूस करे। और वजह बताई जा रही है बोनी के बेटे अर्जुन कपूर और सलमान की एक्स भाभी मलाइका के बीच अफेयर की खबरें। और फिल्म को प्रभुदेवा डायरेक्ट करेंगे वॉन्टेड 2 को, और वॉन्टेड 2 पर ऑलरेडी काम करना शुरू हो चुका है, बस अब इंतज़ार है कि शूटिंग कब शुरू होगी और फिर जल्द से जल्द ये फिल्म रिलीज हो जाएगी। कहानी की बात करें तो फिर से एक बार अंडरकवर पुलिस ऑफिसर की कहानी इसमें दिखाई जाएगी, और सल्लू भाईजान ने इसमें ताबड़तोड़ कमाई तो की थी इस फिल्म से, लेकिन उनका जो लुक था, उनकी जो एक्टिंग थी, वो बहुत पसंद की गई थी, इसीलिए वॉन्टेड 2 का बहुत ज़्यादा इंतज़ार है। और दोस्तों इसके अलावा बात करें बॉलीवुड फिल्मों की, तो इनमें रोमांस और किस सीन्स ना हो ये बहुत कम होता है। अधिकतर हीरो सक्सेस के लिए फिल्म की कहानी के डिमांड के हिसाब से किस करने से परहेज नहीं करते, लेकिन ऐसे में सल्लू भाईजान एकमात्र ऐसे अपवाद बन चुके हैं जो फिल्मों में अपनी हीरोइन को भूल कर भी किस नहीं करते। इसके बाद भी उनकी फिल्में छप्पर फाड़ कमाई करती हैं। बॉलीवुड में सलमान खान ही एक ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने रोमांस तो भरपूर किया है फिल्मों में, लेकिन कभी किस नहीं किया है। लंबे समय से सलमान इन रूल्स को फॉलो करते आए हैं। आप सलमान की किसी फिल्म को याद कर लीजिए जिसमें उन्होंने हीरोइन को किस किया हो, और पर्दे पर किसी हीरोइन के मुंह से आपने ये नहीं सुना होगा कि सलमान खान ने पर्दे पर हमें किस किया है। हालांकि देखा जाए तो सलमान खान का एक किस सीन जरूर आपने देखा होगा भाग्यश्री की फिल्म में, और सूरज भरजातिया ने इसे डायरेक्ट किया था, मैंने प्यार किया। और इस फिल्म के लिए भी सलमान की हीरोइन तो बिल्कुल तैयार नहीं हो रही थी, साथ में सलमान खान ने भी बिल्कुल मना कर दिया था कि भैया मैं किसी हीरोइन को किस नहीं करने वाला, ये मेरे उसूलों के खिलाफ है। लेकिन ऐसे में सूरज भरजातिया जी का दिमाग चला और उन्होंने ग्लास को बीच में रखा, तब जाकर इन दोनों का लिप लॉक करवाया। उसके बाद सलमान खान किसी भी फिल्म में ऐसा सीन नहीं करते हुए नजर आए, और उन्होंने फिल्मों को करने से पहले ही नो किस क्लॉज साइन कर लिया था, जिसके तहत ऐसा होता है कि मैं किसी को किस नहीं करूंगा। और सलमान खान ने आज तक अपना ये वादा नहीं तोड़ा। स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद वो इस बात को क्लियर कर देते हैं कि मैं किसी सीन में किसी हीरोइन को किस नहीं करूंगा तो नहीं करूंगा। वहीं कुछ एक्टर्स ऐसे भी हैं जिन्होंने लिप किस कभी नहीं किया, उन्होंने भी नो लिप किस क्लॉज साइन किया होगा, लेकिन अब उन्होंने अपना ये नो किस क्लॉज तोड़ दिया। इसमें शाहरुख खान का नाम आता है जिन्होंने जब तक है जान में पहली बार कटरीना कैफ को किस किया था और अपना ये क्लॉज तोड़ दिया। इसके अलावा अजय देवगन ने भी अपनी फिल्म शिवाय में अपनी हीरोइन इरिका फर्नांडिस को किस किया है, वो भी पूरे 1 मिनट तक। जी हाँ, और आमिर खान की बात करें तो यार वो तो किस करने से नहीं शर्माते, वो मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान है, और अगर डिमांड हो किसी स्क्रिप्ट की तो वो किस करने से नहीं घबराते। और उन्होंने राजा हिंदुस्तानी में आपने देखा ही होगा बॉलीवुड का सबसे लंबा किसिंग सीन दिया था करिश्मा कपूर के साथ। तो फ्रेंड्स, आपको सलमान भाईजान की आदत कैसी लगती है? कि आप चाहते हैं कि सल्लू किसी फिल्म में किसी हीरोइन को किस करे, और अगर हाँ तो किस हीरोइन का किस आप देखना चाहते हैं उनके साथ, ये ज़रूर बताइएगा। साथ ही वॉन्टेड 2 का आपको कितना इंतज़ार है नीचे कमेंट सेक्शन में जल्दी से लिख डालिए, और इसी तरह के दूसरे दिलचस्प वीडियोस के लिए, बॉलीवुड अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बॉलीग्राम। क्या प्रभु देवा कर रहे हैं सलमान खान के साथ वॉन्टेड 2 की प्लानिंग? क्या राधे के बाद दिख सकता है हमें वॉन्टेड का सिक्वल? मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल बॉलीग्रेड स्टूडियोज में। जबकि सलमान खान हमेशा से बॉलीवुड के सबसे लोकप्रिय अभिनेताओं में से एक रहे हैं, लेकिन उन्हें अपनी करियर के बीच में एक खामियाजा भुगतना पड़ा। यह कहना गलत नहीं होगा कि 2009 की फिल्म वॉन्टेड थी जिसने उनके करियर को पुनर्जीवित किया। प्रभुदेवा के निर्देशन में बनी इस फिल्म में आयुष टाकिया, प्रकाश राज और विनोद खन्ना भी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में थे। काफी समय से वॉन्टेड का सीक्वल पाने के बारे में कई बातें बन रही थी। हाल ही में प्रभुदेवा, जो सलमान की दबंग 3 का निर्देशन कर रहे थे, इसके बाद में पूछा गया था, उन्होंने कहा कि अभी तक वॉन्टेड 2 के लिए कोई योजना नहीं है। लेकिन किसी को भी कभी नहीं पता कि भविष्य क्या है, लेकिन लगता है 2021 में वांटेड के सीक्वल की योजना बन गई है, क्योंकि सुनने में आ रहा है कि हमें जल्द ही वांटेड का सीक्वल देखने को मिल सकता है, खासकर क्योंकि सलमान खान के फिल्मी करियर में भी हाल ही में एक ब्लॉक सा लग गया है, और ऐसा लगता है कि ये ब्लॉक वांटेड के सीक्वल से ही हटेगा जैसे इससे पहले हटा था। तो
क्या हुआ था आखिर? वही सलमान आज भले भी बॉलीवुड के वो स्टार हों जिनकी फ्लॉप फिल्म भी 100 करोड़ कमा लेती है, लेकिन एक दौर ऐसा भी था जब वो एक हिट फिल्म के लिए तरस गए थे। इसी दौरान किस्मत से उनकी झोली में ऐसी फिल्म आ गिरी जिसने उनकी जिंदगी ही बदल दी। हम बात कर रहे हैं सलमान खान की जबरदस्त फिल्म वॉन्टेड की। ये फिल्म 9 साल पहले आज के ही दिन रिलीज हुई थी। अगर यूं कहें कि ये फिल्म है जिसने सलमान का डूबता करियर बचा लिया तो गलत नहीं होगा। वॉन्टेड को ऑडियंस ने इतना पसंद किया कि सलमान की इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया था और महीनों तक इस फिल्म के शोज हाउसफुल ही हो गए थे। इस फिल्म के बाद सलमान की हेयर स्टाइल और अंदाज का ट्रेंड वापस आ गया था। वॉन्टेड एक साउथ इंडियन फिल्म की हिंदी रीमेक थी। दोनों फिल्मों के डायरेक्टर एक ही थे, वो थे मशहूर कोरियोग्राफर प्रभु देवा। प्रभु देवा ने वॉन्टेड के जरिए सलमान को ये एहसास दिला दिया कि ऑडियंस को सलमान से क्या चाहिए और वो इसके जरिए फ्लॉप के बाद भी वापस आ सकते हैं। बस फिर क्या था, सलमान आज तक नहीं रुके हैं, लेकिन अब लगने लगा है जैसे सलमान को वॉन्टेड के लक का फिर से इस्तेमाल करना पड़ सकता है। और वैसे भी प्रभु देवा और सलमान खान की राधे योर मोस्ट वॉन्टेड भाई के बाद वॉन्टेड के सिक्वल की उम्मीद बढ़ती जा रही है। हम अब सलमान को फिर से वॉन्टेड फिल्म में जलवा दिखाते हुए देखने के लिए काफी ज्यादा हमें आई सलमान खान स्टारर फिल्म वॉन्टेड अपने आते से ही बेहद मशहूर हो गई थी। हो भी क्यों ना, ये पहली बार था जब सलमान के फैंस ने रोमांस से हटकर कुछ नया करते देखने वाले थे, वो भी एक्शन। पहली बार था जब प्रभु देवा कोरियोग्राफर से निर्देशक बने थे। इसी फिल्म के बाद आयशा टाकिया ने भी फिल्मों को अलविदा कह दिया था। पर एक बात है जो आप शायद ही फिल्म के बारे में जानते हो। जी हाँ, ये सुपरहिट फिल्म 2006 में आई तेलुगु की ब्लॉकबस्टर हिट फिल्म पोकिरी का रीमेक थी। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर दोनों फिल्मों में क्या अलग था या फिर क्या एक जैसा था, तो उसके लिए हम है ना, आइए आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं उन दोनों फिल्मों की। जानकारी के लिए बता दें कि पोकिरी एक तेलुगु फिल्म थी जिसे पुरी जगन्नाथ ने बनाया था। इसमें महेश बाबू, इलियाना डिक्रूज और प्रकाश राज मुख्य भूमिकाओं में थे। आपको जानकर खुशी होगी कि प्रकाश राज दोनों ही फिल्मों का हिस्सा थे। अगर वॉन्टेड से पहले आपने उन्हें किसी फिल्म में देखा होगा तो वो बेशक ही कोई साउथ की फिल्म ही होगी, जिसके बाद हमारी तरह आपने भी सोचा होगा कि यार कितने अच्छे एक्टर हैं जिन्हें अभी तक किसी बॉलीवुड फिल्म में क्यों नहीं लिया गया। तो शायद मेकर्स ने भी आपकी पुकार सुन ही ली थी। खैर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद फिल्म में आता है फिल्म का पहला गाना जिसमें सलमान खान डांस करते नजर आते हैं और आप सोचेंगे कि वाह सलमान खान भी नाच सकते हैं। वहीं अगर आपने पोकिरी नहीं देखी है और वॉन्टेड देखी है तो पहले कुछ सीन्स में लड़ाई, एक्शन, गुंडे, ये सब देखकर आप समझ ही जाएंगे कि ये बेशक ही किसी साउथ फिल्म का रीमेक है या सीन्स को चुराया गया है। फिर वहीं आगे चलकर जब एरोबिक्स वाले सीन आते हैं तो आपको पक्का पता चल जाएगा कि ये कोई और नहीं बल्कि पोकिरी का ही रीमेक है। क्या आप जानते हैं कि वॉन्टेड में डायलॉग्स तक को सेम रखा गया था? उसके बाद आप खुद को रोक नहीं पाएंगे और फिल्म के एक एक सीन को आप पोकिरी से ही तोलने लगेंगे। हालांकि ये तभी मुमकिन है अगर आपने ये फिल्म देखी हो, परंतु आपको भी यही लगेगा कि साउथ वाली फिल्म वॉन्टेड से कहीं ज्यादा बेहतर है। और ये सच भी है, जो फिल्म पहले आई है अगर उसका रीमेक या बिल्कुल कॉपी पेस्ट भी कर दिया जाए तब भी वो पहले जैसा चार्म नहीं हासिल कर पाती। पोकिरी में एक्टर्स की कास्टिंग से लेकर उनकी एक्टिंग, पहनावा, बोलचाल सब बढ़िया था। दूसरी बात, महेश बाबू का स्टाइल ही अलग है, उनकी कॉपी तो कोई कर ही नहीं सकता। एक गुंडे के रोल में उनका जवाब नहीं। वहीं हमेशा से ही रोमांटिक हीरो की इमेज में दिखने वाले सलमान के लिए एकदम से एक्शन हीरो की इमेज को पकड़ना बहुत मुश्किल था, जो कि उनकी एक्टिंग और एक्सप्रेशंस में भी साफ दिख रहा था। इस बात से भी पीछे नहीं हटा जा सकता कि ये एक तो आपको एक बार उसे जरूर देखना चाहिए। आप खुद भी दोनों के बीच अंतर पहचान पाएंगे और फिर हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहरहाल बात अब वॉन्टेड की करते हैं, तो आपको बता दें कि फिल्म का एक सीक्वल बन रहा है। जी हाँ, प्रभु देवा वॉन्टेड 2 पर काम कर रहे हैं जिसकी स्क्रिप्ट को फिलहाल फाइनल किया जा रहा है। सलमान खान हाल ही में राधे या मोस्ट वॉन्टेड भाई में नजर आए थे जिसकी तुलना वॉन्टेड से की गई थी। यहाँ तक भी कहा गया था कि ये वॉन्टेड का ही एक स्पिन ऑफ है, हालांकि सलमान और मेकर्स ने इन बातों से इनकार कर दिया। खैर वॉन्टेड 2 के लिए सलमान को अप्रोच किया रोजाना। तो आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं बॉलीवुड के भाईजान के अपनी ही सुपरहिट मूवी के सीक्वल से इनकार करने की।
जी हाँ दोस्तों, खबर उड़ रही थी कि प्रभु देवा और बोनी कपूर द्वारा डायरेक्टेड और प्रोड्यूस मूवी वांटेड 2 का सीक्वल बन रहा है। लेकिन हाल ही में खबर आई है कि सलमान खान ने इस मूवी में कास्ट होने से इनकार कर दिया है। तो आइए आज इन्हीं बातों की गहराइयों में जाते हैं। हाल ही में खबर आ रही थी कि सलमान खान संजय लीला भंसाली के साथ डुओ फिर से हमको ऑन स्क्रीन इंशाल्लाह के थ्रू नजर आने वाला है, जिसमें मेन रोल में सलमान खान के साथ आलिया भट्ट स्टार होने वाली थी। लेकिन उसके बाद संजय लीला भंसाली यानी कि मूवी के मेकर्स और एक्टर्स के बीच में कुछ अनबन हो गई, जिसके कारण सलमान खान ने इस मूवी से बैकआउट कर दिया और ट्विटर के जरिए अपने फैंस को इस बात के लिए आगाह कर दिया कि अब वह इस मूवी में काम नहीं कर रहे हैं। उसी के बाद एक दूसरी खबर उड़ी बॉलीवुड के भाईजान के बारे में कि हर साल जैसे वो ईद में कुछ नया लेके आते हैं, वैसे ही इस साल भी वो कुछ ना कुछ तो ज़रूर लेके आएंगे। लेकिन लोग कंफ्यूज थे कि क्या ये किट्टू होने वाली है या फिर वांटेड 2। हालांकि सलमान खान ने इस चीज़ को इनडायरेक्टली अपने ट्विटर हैंडल पर क्लियर करके कहा कि मैं भले ही इंशाल्लाह में नज़र ना आऊं, लेकिन जल्द ही एक एक्शन रोल में तुम लोगों को ईद के मौके पर ज़रूर मिलूंगा अपना रिचुअल पूरा करने। और ये बात सुनते ही फैंस तो खुशी से फूले नहीं समाए। हालांकि कन्फ्यूज़न अभी भी थी कि किट्टू है या फिर वांटेड 2 सलमान की अगली मूवी। लेकिन अब जैसी खबरें आ रही हैं उस हिसाब से ये चीज़ क्लियर हो चुकी है कि ये मूवी किट्टू ही है। अब अगर बात करें वांटेड 2 के बारे में, तो सलमान खान की लाइफ में एक ऐसा फेज था जब उनका करियर डाउनहिल जा रहा था। काफ़ी मूवीज़ करने के बाद भी वो अपने करियर को रिवाइव बैक नहीं कर पा रहे थे, और उसी टाइम बोनी कपूर और प्रभु देवा की वांटेड ने ही उनके करियर को दोबारा जीवित किया था। जी हाँ दोस्तों, आयशा टाकिया, सलमान खान और विनोद खन्ना इस मेन लीड में थे इस मूवी में, और उसके बाद 2009 की रिलीज हुई वांटेड ने ही सलमान खान को उनका उड़ता करियर वापस दिया। अब अगर बात करें सलमान खान के इस मूवी के बारे में मना करने की, तो उन्होंने रेस 3 और काफ़ी अन्य मूवी के इंटरव्यूज़ में भी ये बात कही थी कि शायद वो ये मूवी नहीं करेंगे, और अब ये चीज़ कंफर्म हो चुकी है। तो इसीलिए बोनी कपूर और प्रभु देवा एक नए वांटेड के लीड रोल के लिए नज़र कर रहे हैं एक्टर्स की। स्टोरी लाइन इस बार भी पिछली बार की तरह ही होने वाली है, यानी कि इस बार भी स्टोरी एक अंडरकवर पुलिस ऑफिसर की ज़िंदगी के आसपास घूमेगी। अब अगर बात करें फिल्म की कास्ट की, तो अब तक ये कंफर्मेशन नहीं मिली है कि इस मूवी में कौन नज़र आने वाला है, लेकिन सुर्खियों में ये बातें काफ़ी ज़्यादा उड़ रही हैं कि बोनी कपूर और प्रभु देवा बागी 2 के सुपरहिट होने के बाद से ही टाइगर श्रॉफ के लिए सोच रहे थे। उनके एक्शन जॉनरा में इतना बढ़िया काम करने के बाद उनको लगता है कि ये किरदार उन पर सूट भी करेगा, और साथ में इस स्टोरी की बेहतरीन स्टोरी लाइन के साथ टाइगर श्रॉफ के करियर को एक और जेट बैक भी मिल जाएगा। नमस्कार सभी दर्शकों का बॉलीग्रेड स्टूडियोज में तहे दिल से स्वागत है। साल 2009 में चौथे नंबर पर सबसे ज्यादा कलेक्शन करने वाली मूवी वांटेड ने सलमान खान के करियर को बूस्टअप किया था, जिसमें मुख्य भूमिका में आयशा टाकिया, सलमान खान, प्रकाश राज, विनोद खन्ना और महेश मांजरेकर थे, जो कि एक तेलुगु मूवी का रिमेक थी पोकरी नाम की। इस फिल्म में सलमान खान ने राधे का किरदार निभाया था, जो कि एक गैंगस्टर है और एक बहुत ही मिस्टीरियस पास्ट के साथ, और जो लोगों को पैसों के लिए मारता है और जब चकली खाता है तो पूरा रेलवे स्टेशन गरजने लगता है। राती है जानवी, जिसका रोल आयशा टाकिया ने निभाया है, जो खतरनाक वाली फिटनेस फ्रीक है, पर टिफिन में मैडम पास्ता खाती है और किसी के साथ शेयर भी नहीं करती है। ये पता नहीं कौन सी डाइटिंग कर रही है, इनको पता नहीं है क्या कि पास्ता मैदे से बनता है, और विच इज सीरियसली नॉट गुड फॉर हेल्थ। खैर जो भी है। फिर आते हैं महेश मांजरेकर, जिन्होंने कलपड़े का किरदार निभाया है, और प्रकाश राज यानी कि अपने गजनी भाई के बाद इनकी एक्टिंग सबसे बेस्ट थी, पर रोल बिल्कुल नेगेटिव। तो भाई कलपड़े भाई साहब हमारी हीरोइन जानवी जी को परेशान करते हैं, पर हमारी जानवी जी का दिल आ जाता है बिल्कुल एकदम मवाली टाइप के इंसान पर, जो पुलिस से डरती है। फिर दुनिया का सबसे बेस्ट विलन यानी कि गजनी भाई, और रेस्ट ऑफ द स्टोरी आपको पता ही है। बट टू बी ऑनेस्ट ना,
इस मूवी में मेरा फेवरेट कैरेक्टर वो लैंडलॉर्ड का है, वो मोटा सा जो जैसे टेढ़ी सी कैप पहनी है जिसने। जी हाँ, ही वॉज सच अ क्यूट मैन और उनका नाम है मनोज पाहवा। और उस बंदे का नाम भी बहुत ही गजब का है इस मूवी में, शायद आपको ना पता हो तो मैं बता दूँ, सोनू गेट्स। जी हाँ, बिल गेट्स के छोटे भाई, सॉरी मोटे भाई। सच्ची में यार, मतलब वो बंदा हमारी हीरोइन जानवी से कभी रेंट लेता ही नहीं था। ठीक है, बाकी काफी एंटरटेनिंग थी मूवी ओवरऑल। पर अब खबर है कि इस मूवी का सीक्वल बनने जा रहा है, जो फिर से प्रभु देवा ही डायरेक्ट करेंगे। फिलहाल में कास्टिंग में सलमान खान के अलावा किसी का नाम नहीं पता चला है, लेकिन क्या आप देखना पसंद करेंगे वॉन्टेड 2? और मूवी की कास्ट में आप किस किस को एक्सपेक्ट करते हैं, और क्या हमें स्टोरी कंटिन्यूशन में देखने को मिलेगी या फिर कोई नया ही एंगल सामने आएगा? कौन है भैया? ये एरिया का नया सब इंस्पेक्टर है। चले जाइए सर, आप उन पुलिस वाले को सिर्फ एक ही बार अच्छे से बोलते हैं। ऐसी धमकियों का मुझ पर कोई असर नहीं होता। आइंदा से मेरे खिलाफ बगावत की कार्ड डालूंगा। हेलो गाइस, स्वागत है आपका फिल्मों से भरे बॉलीग्रैड स्टूडियोज पर, और मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मेहरा। आज मैं आपके लिए चुनकर लाई हूं हमारे फिल्मों के पिटारे से फिल्म वांटेड 2। जी हां, आज मैं बात करूंगी आपसे फिल्म वांटेड 2 के बारे में, और इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगी कि क्या फिल्म वांटेड 2 रिलीज होने वाली है या फिर सिर्फ इसके बारे में एक अफवाह उड़ाई जा रही है। तो चलिए, ऐसे ही कुछ रहस्यमय बातों के जानने के लिए जुड़े रहिए आप वीडियो के एंड तक। वैसे आपने फिल्म वांटेड में देखा होगा सलमान खान को, और सलमान खान के अपोजिट आपको नजर आई होंगी आयशा टाकिया। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था प्रभु देवा ने, और ऐसा ही कुछ सुनने में भी आ रहा था कि वांटेड 2 को भी डायरेक्ट करने वाले हैं प्रभु देवा, और इस फिल्म में भी नजर आएंगे हमको सलमान खान। पर अभी तक इस फिल्म से रिलेटेड कोई भी ऑफिशियल इंटरव्यू इन दोनों ने नहीं दिया है। जी हाँ, अभी तक किसी को नहीं पता कि आखिर वांटेड 2 कब रिलीज होने वाली है और इस फिल्म में कौन कौन से कास्ट लिए जाएंगे। इसके साथ ही अभी तक इस फिल्म से रिलेटेड कोई भी ऑफिशियल पोस्टर भी पोस्ट नहीं किया गया है, और साथ ही इस फिल्म के ट्रेलर का भी अभी तक कुछ पता नहीं है। तो ऐसे में ये बात सच में काफी सोचने वाली है कि क्या फिल्म वांटेड 2 रिलीज होगी या फिर सिर्फ इसके बारे में बातें ही की जा रही हैं। वैसे ये तो सच है कि इस साल यानी कि 2021 में सलमान खान की काफी फिल्में हमारे सामने आई हैं। जी हाँ, एक है राधे जो कि रिलीज हो चुकी है, इसके अलावा अंतिम और कभी ईद तो कभी दिवाली भी सलमान खान की फिल्मों का ही हिस्सा है, जो कि हमारे सामने 2021 में ही सामने आएंगी। पर अभी तक फिल्म वांटेड 2 के बारे में कोई भी ऑफिशियल जानकारी ना मिलना सच में काफी सोचने का विषय है। जी हाँ, और इस विषय पर हम सोच भी रहे हैं, पर अभी तक हमें भी कोई ऐसी ऑफिशियल जानकारी नहीं मिली जिससे कि हम आपको कहेंगे कि आखिर वांटेड 2 का सच क्या है। तो चलिए, अब मैं चलती हूँ, लेकिन आप देखते रहिए बॉलीग्रैड स्टूडियोज। खान का नाम क्यों ले रही हूँ? अरे मैं आपको बता दूँ कि मुझे पता है कि सलमान खान ने वांटेड 2 करने से मना कर दिया था, बट बाद में सलमान खान ने अपना एक और स्टेटमेंट दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि वो वांटेड 2 करने के लिए तैयार है। तो चलिए, अब आप भी खुश हो जाइए क्योंकि वांटेड 2 में आपको नजर आएंगे सलमान खान, और हो सकता है कि इसी साल यानी कि 2021 में 3 सितंबर को सलमान खान की फिल्म वांटेड 2 भी आपके सामने आ जाए। लेकिन तब तक आप दुआ करिएगा कि कोरोना का बुरा साया इस फिल्म पर ना पड़े, क्योंकि ये तो आपको पता ही होगा कि इस कोविड-19 ने फिल्म इंडस्ट्री पर भी काफी बुरा प्रभाव डाला है। कई फिल्में ऐसी हैं जो कि रिलीज करने से रोक दी गई हैं, और कई फिल्मों के प्रोजेक्ट भी अभी बंद पड़े हैं। वैसे क्या आप जानते हैं कि जब सलमान खान ने फिल्म वांटेड 2 करने से मना कर दिया था, तो उस समय इस फिल्म के डायरेक्टर प्रभु देवा को काफी बड़ा झटका लगा था? जी हाँ, उस समय प्रभु देवा काफी परेशान हो गए थे और उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर वांटेड 2 में सलमान खान की जगह किस एक्टर को लिया जाए, क्योंकि सलमान खान के जैसा तो कोई दूसरा इस फिल्म इंडस्ट्री में है ही नहीं। बाय द वे, अभी वांटेड 2 को जरा साइड करके हम बात करते हैं वांटेड यानी कि इसके पार्ट 1 के बारे में। अच्छा, उस एक्ट्रेस का नाम तो आप जानते ही होंगे जिसने फिल्म वांटेड में जानवी का रोल प्ले किया था। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ आयशा टाकिया की। उन्होंने ही फिल्म वांटेड में जानवी का रोल प्ले किया था। पर क्या आप जानते हैं कि इस बार वांटेड 2 में सलमान खान के साथ कौन सी एक्ट्रेस नजर आने वाली है?
तो चलिए मैं आपको कुछ नाम बताती हूँ जिनमें से आप खुद सोचिएगा कि आखिर सलमान खान के साथ वॉन्टेड 2 में कौन सी एक्ट्रेस नजर आएंगी। और अगर आपको कुछ समझ ना आए तो भी एक आध तुक्का तो मार ही लीजिएगा, क्या पता आपका तुक्का ही सही लग जाए। तो चलिए मैं नाम बता देती हूँ। पहला नाम है सोनाक्षी सिन्हा, दूसरा नाम है कियारा आडवाणी, तीसरा नाम है कृति सैनन और लास्ट नाम है जाह्नवी कपूर। तो अब आप खुद सोचिए कि आखिर इन चारों में से कौन सी हीरोइन सलमान खान के साथ नजर आने वाली है। पर्टिकुलर सीन से दिक्कत थी तो दोस्तों 2009 की वॉन्टेड फिल्म सलमान खान के करियर में कितना बड़ा बूस्ट लेकर आई है इसका डिस्कशन तो काफी बार होता रहा है, लेकिन एक ऐसे जेम एक्टर जो कि वॉन्टेड की वजह से ही हिंदी ऑडियंस तक इंट्रोड्यूस हो पाए वो रहे प्रकाश राज। बॉलीवुड में इनके काफी सारे विलेनियस पोर्ट्रेल हैं जिन्होंने हमारे दिलो दिमाग पे एक अलग ही छाप छोड़ रखी है। ऐसा लगता है जैसे ये विलन की एक अलग जमात के हैं, रुथलेस एंड डेंजरस येट एट टाइम्स काम एंड प्लेसेड। तो आइए जानते हैं कैसे इनकी बॉलीवुड में जर्नी शुरू हुई वॉन्टेड जैसी पाथ ब्रेकिंग एक्शन फिल्म से। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट अनुष्का त्यागी और आप देख रहे हैं बॉलीग्राड स्टूडियोज। बोनी कपूर ने जब से क्विकरी को ऑफिशियली रीमेक करने की सोच रखी है तो उनके ध्यान में सलमान तो परमानेंट थे, लेकिन विलन की खोज अभी भी करनी बाकी थी। कैसे प्रकाश राज ने ये रोल बैक किया उसे पहले जान लेते हैं, कन्वेंशनल बॉलीवुड विलन्स ने क्यों इस रोल को ठुकराया। तो दोस्तों अगर आपने वॉन्टेड फिल्म देखी है तो एक सीन से तो आप वाकिफ जरूर होंगे जिसमें एंटागोनिस्ट गनी भाई सलमान खान को देखकर अपनी पैंट गीली कर देते हैं। अब बॉलीवुड के विलन्स को ये पर्टिकुलर सीन न सुहाया, बोनी ने सिर्फ वॉइस ओवर से ही सीन को शो करने की भी पेशकश की पर बात नहीं बनी। इवन बोनी ने काउंटर आर्ग्यूमेंट भी दी कि कॉमनली भी तो हम पी इन योर पैंट जैसे टर्म्स यूज करते हैं तो इसे ऑन स्क्रीन दिखाने में क्या दिक्कत। पर शायद दोस्तों विलन्स को अपनी इज्जत कुछ ज्यादा ही प्यारी है। अंत में जब सारे रास्ते बंद हो गए तब उन्हें दोस्तों ख्याल आया कि ओरिजिनल फिल्म पोएट्री में जिसने अली भाई का रोल निभाया है उसने भी तो बकमाल निभाया है, क्यों ना उसे ट्राई किया जाए। फाइनली प्रकाश राज को गनी भाई बनवाया गया जिन्होंने सो कॉल ऑब्जेक्शनेबल सीन परफॉर्म भी किया। और बोनी का तो ये भी कहना है कि इस पर्टिकुलर सीन को ही थिएटर में सबसे ज्यादा सीटियां और तालियां मिली थी और शायद हिंदी विलन्स ने गोल्डन चांस को मिस कर दिया क्योंकि इसके बाद जो विलन का दौर चला उसे प्रकाश राज फ्रेन से रिप्रेजेंट करना तो गलत ना होगा। हालांकि प्रकाश राज ने हिंदी में इक्का दुक्का फिल्म ही की थी लेकिन ऑडियंस ने इसे देखने लायक समझा ही नहीं तो आग चली। वॉन्टेड ने उन्हें एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया जिससे उनका नाम विलन्स के रोल से सिनोनिम हो गया। तो दोस्तों सिंघम का जयकांत शिकरे हो या फिर दबंग 2 का ठाकुर बच्चा सिंह कैरेक्टर इसी बात की गवाही देते हैं। खासकर वॉन्टेड ही नहीं बल्कि आर्ट कोर अली भाई के कैरेक्टर ने इनके करियर को काफी कुछ दिया है। पोकरी की तमिल तेलुगु और हिंदी रीमेक में इन्होंने ही एंटागोनिस्ट का रोल निभाया है तो वहीं काफी पहले जब पाकिस्तान में भी इसका रीमेक किया जाना था तब भी इन्हें ही फर्स्ट प्रेफरेंस दी जा रही थी। अब दोस्तों करंट वर्क फ्रंट पे बात करें तो प्रकाश साल की सबसे बड़ी फिल्म KGF 2 में भी एक प्रोमिनेंट रोल निभाने जा रहे हैं। प्रकाश की हिंदी फिल्मोग्राफी से तो मोस्टली आप वाकिफ ही होंगे लेकिन आज हम आपको रिकमेंड करने जा रहे हैं इनके कुछ तमिल रोल जिससे इन्होंने और भी ज्यादा प्रेज पाई है। फर्स्ट फिल्म है घिल्ली जहां से ओवरऑल इनकी एंटागोनिस्ट रोल जर्नी शुरू हुई। फिर बारी आती है वसूल राजा MBBS की जो कि मुन्ना भाई MBBS की तमिल रीमेक थी, लेकिन बमन ईरानी की तरह ही प्रकाश राज ने कॉलेज डीन के रोल को परफेक्टली पोर्ट्रेट करने में कसर नहीं छोड़ी। एंड फाइनली दोस्तों साउथ क्योंकि हो सकता है कि मेरे मास्क की वजह से आपको मेरी आवाज ना सुनाई दे। तो चलिए आज बात करते हैं वॉन्टेड 2 के बारे में जिसमें आपको सलमान खान नजर आने वाले हैं। जी हाँ, वॉन्टेड 2 और इसमें आपको नजर आएंगे सलमान खान। अब आप सोच रहे होंगे कि सलमान खान ने तो वॉन्टेड 2 में आने से मना कर दिया था तो मैं सलमान खान का नाम क्यों ले रही हूँ। तो चलिए मैं खुद ही बता देती हूँ कि सलमान खान ने बाद में अपने स्टेटमेंट में कहा था कि वो अब वॉन्टेड 2 करने के लिए तैयार है। पर क्या आप जानते हैं कि जिस समय सलमान खान ने वॉन्टेड 2 करने से मना किया था उस समय इस फिल्म के डायरेक्टर प्रभु देवा को काफी बड़ा झटका लगा था और प्रभु देवा काफी परेशान भी हो गए थे कि आखिर सलमान खान की जगह किस स्टार को लिया जाए जो कि इस फिल्म में फिट बैठे। बट जब लास्ट में सलमान खान ने खुद इस फिल्म को करने के लिए हाँ बोल दिया था तब सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया था और हो सकता है कि सलमान खान की फिल्म वॉन्टेड 2 आपके सामने जल्द ही आ जाए। सुनने में तो आ रहा है कि इसी साल यानी कि 2021 में
30 सितंबर को ये फिल्म को रिलीज किया है। तो चलिए वांटेड 2 को जरा साइड में रख के अब हम बात करते हैं वांटेड की। जी हाँ, वांटेड 1 यानी कि इसके पार्ट 1 की। वैसे इस फिल्म का एक काफी फेमस डायलॉग था, आपने सुना भी होगा कि तू लड़की के पीछे भागेगा और लड़की पैसे के पीछे भागेगी, लेकिन अगर तू पैसे के पीछे। अब आप ज्यादा मत सोचिए, बात की लाइनें मैंने अपने पास से बोली हैं आपके लिए, तो आप इन लाइनों पर जरा गौर फरमाइएगा। खैर, फिल्म वांटेड की हीरोइन के बारे में तो आपने सुना ही होगा, जिन्होंने जानवी का रोल प्ले किया था। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ आयशा टाकिया के बारे में, उन्होंने ही फिल्म वांटेड में जानवी का रोल प्ले किया था। बट क्या आप जानते हैं कि सलमान खान के साथ इस बार वांटेड 2 में कौन सी एक्ट्रेस नजर आने वाली है? जी हाँ, इससे संबंधित मैं आपको कुछ नाम देती हूँ जिन्हें आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि वांटेड 2 में आखिर सलमान खान के साथ कौन सी एक्ट्रेस नजर आएंगी। और अगर आपको कुछ समझ ना आए फिर भी कमेंट करके कोई ना कोई नाम तो जरूर बताइएगा, क्योंकि हो सकता है कि आपका तुक्का ही सही लग जाए। तो चलिए मैं जल्दी से नाम बताती हूँ, आप गौर करिएगा। पहला नाम है सोनाक्षी सिन्हा, दूसरा नाम है कृति सैनन, तीसरा नाम है जानवी कपूर। सलमान खान को उनके करियर की सबसे इम्पोर्टेंट फिल्म दी। इन तमाम सवालों का जवाब मैं आपको दूंगी हमारे इस वीडियो में, तो लास्ट तक बने रहे हमारे साथ। स्वागत है आपका बॉलीग्राड स्टूडियो में। एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो उसके बाद मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। ये डायलॉग तो सुन सुन कर आपके कान थक गए होंगे। दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं कि ये डायलॉग है 2009 की ब्लॉकबस्टर फिल्म वांटेड का। जी हाँ, इस पिक्चर ने सलमान खान के करियर की दशा और दिशा दोनों को भी बदल दिया। इस पिक्चर को डायरेक्ट किया था प्रभु देवा ने। हालांकि जब से सलमान खान ने वांटेड के इस डायलॉग को राधे में इस्तेमाल किया तब से इसका बेसिक एसेंस खो गया। जी हाँ, फालतू का एग्जैजरेट किया जा रहा है खूबसूरत डायलॉग को, जिसकी वजह से राधे पिक्चर के रिव्यूज भी काफी खराब है, जैसा कि हम सभी जानते हैं। दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं कि आज इस वीडियो में हम वांटेड पर कुछ खास बातचीत करने वाले हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, वांटेड पिक्चर ने सलमान खान के करियर को काफी कुछ दिया। 2008 में जब सलमान खान बैक टू बैक फ्लॉप पिक्चर दिए जा रहे थे, तो इसी बीच सलमान खान की एक फिल्म आई जिसका नाम था वांटेड, और इस फिल्म ने सलमान खान के करियर को एक बार फिर डूबने से बचा लिया। इस बात में कोई दोहराई नहीं है कि वांटेड के बाद सलमान खान की लगभग सभी फिल्में सुपर हिट गई। जी हाँ, सलमान खान का वो जो राउडी लुक था वांटेड में, आज राधे का किरदार, वो काफी ऑडियंस को पसंद आया, जिस वजह से आज भी लोग उनको उस रोल में देखना चाहते हैं। वांटेड पिक्चर के बाद ही सलमान खान बॉलीवुड के भाईजान के तौर पर उभरे। वैसे तो सलमान खान के करियर में बहुत सारे रोल्स आएंगे और जाएंगे, लेकिन जो उनका किरदार था वांटेड में, उसकी परिभाषा को कोई दूसरा कैरेक्टर नहीं बदल सकता। वेल दोस्तों, इस बात से भी हम डिनाई नहीं कर सकते कि फिल्म को बनाने के पीछे पूरा कलेक्टिव एफर्ट होता है। सलमान खान को वांटेड जैसी मूवी सजेस्ट की थी प्रभु देवा और बोनी कपूर ने। दोस्तों, ये पूरी कहानी जानने के लिए आपको एक बार फिर से पास्ट में चलना पड़ेगा, तो चलिए चलते हैं 2006 में। जब महेश बाबू की फिल्म पोकरी रिलीज हुई थी, तो उस दौरान कई हिंदी फिल्म मेकर ने इसे रिजेक्ट कर दिया था। वेल, प्रभु देवा को पोकरी की स्टोरी लाइन काफी इंटरेस्टिंग लगी और वो इस फिल्म में सलमान खान के साथ ही काम करना चाहते थे। प्रभु देवा को पूरा भरोसा था कि ये फिल्म सलमान खान के डूबते करियर को जरूर बचा लेगी, और वही हुआ भी। लास्ट में प्रभु देवा बोनी कपूर के पास पहुंचे, जिसके बाद बोनी कपूर और प्रभु देवा ने फिल्म की पूरी स्टोरी लाइन सलमान खान को समझाई, जिसके बाद ये तीनों हैदराबाद पहुंचे फिल्म की राइट्स को खरीदने के लिए। फिर क्या था, वांटेड पिक्चर बनाई गई और ये फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई। इस फिल्म ने सलमान खान के डूबते करियर को तो बचाया ही, साथ ही बॉलीवुड को उसका भाईजान भी दे दिया। दोस्तों, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आप वांटेड के दूसरे पार्ट के लिए कितने एक्साइटेड हैं। फिलहाल मुझे आने पढ़ना मत को दीजिए इजाजत। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को भी सब्सक्राइब करें, ताकि बॉलीवुड की दुनिया से जुड़ी तमाम अपडेट आप तक। के लिए वांटेड 2 बन गई दबंग 3। क्या वांटेड 2 का हिस्सा सलमान खान नहीं होंगे? वांटेड सलमान खान के करियर की सबसे पहली सुपरहिट फिल्म रही थी
और अब तक तो ये सब जान चुके हैं कि अपनी हिट फिल्मों को एक्सटेंड करने में सलमान कितना इंटरेस्ट दिखाते हैं। तो कायदे से तो हमें वांटेड का सीक्वल काफी समय पहले ही मिल जाना चाहिए था, पर असल हालात तो ये हैं कि वांटेड 2 के लिए अभी कोई बात तक नहीं हो रही और वहाँ भाई अपने हर हिट का सीक्वल धड़ाधड़ दिए जा रहे हैं। तो इस सीक्वल की रेस में वांटेड फ्रेंचाइजी क्यों पीछे रह गई, इसी बात की डिटेल जानकारी लेकर आई हूँ आज मैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ पंखुरी और आप देख रहे हैं बॉलीग्रैड स्टूडियोज की खास फिल्मी टॉक्स। एक बात तो हम श्योर शॉट कह सकते हैं कि वांटेड 2 सलमान के करियर की बिगेस्ट हिट बनने का पोटेंशियल रखती है, लेकिन फिर भी किन्हीं कारणों की वजह से इस प्रोजेक्ट का कभी श्री गणेश हो ही नहीं पाया। शुरू से शुरू करते हैं, जब सब कुछ अंडर कंट्रोल था और 2009 की वांटेड एक ब्लॉकबस्टर बनकर उभरी ही थी, कुछ ही समय बाद एक जेंटलमैन सामने आए और वांटेड के प्रोड्यूसर बोनी कपूर, प्रभु देवा और सलमान पे केस ठोक दिया और लीक किया कि वांटेड प्लेजरिज्म और विदाउट स्क्रिप्ट वेरिफिकेशन बनाई गई है। हालांकि बोनी ने ओरिजिनल फिल्म पोकिरी के ओनर पुरी जगन्नाथ से सारे राइट्स खरीद लिए थे, लेकिन कोर्ट कचहरी के स्लो प्रोसेस की वजह से यह मामला 7 साल तक खिंच गया। अब इन 7 सालों में कोर्ट केस की वजह से किसी ने वांटेड 2 की बात तक नहीं की, लेकिन जैसे ही ये केस जीते एक बार फिर सीक्वल बनने की उम्मीद जगी। बोनी कपूर सलमान को ना सिर्फ वांटेड 2 ऑफर कर रहे थे बल्कि नो एंट्री 2 में भी खुले दिल से एंट्री दे रहे थे। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने सलमान को मजबूर कर दिया इन प्रोजेक्ट्स को रिजेक्ट करने के लिए। हुआ यूं कि बोनी कपूर के बेटे अर्जुन कपूर और अरबाज खान की एक्स वाइफ मलाइका के अफेयर की खबरें सामने आई। अब सलमान खान को ये बात बिल्कुल नहीं सुहाई और तब से इनका और अर्जुन का 36 का आंकड़ा तो है ही, साथ ही इन्होंने बोनी के 2 मच अवेटेड प्रोजेक्ट्स को भी ठुकरा दिया। इन्हीं 2 बड़े फैक्टर्स से वांटेड 2 पर एक्चुअली काम शुरू कभी हुआ ही नहीं। वैसे प्रभु देवा भी वांटेड 2 बनाने में काफी इंटरेस्टेड थे, इसीलिए जैसे ही 2017 में कोर्ट से बरी हुए उन्होंने इसका सीक्वल बनाना प्लान कर लिया। लेकिन फिर आई अर्जुन और मलाइका की अफेयर की खबरें जिसने सलमान को तो इस प्रोजेक्ट से हटा ही दिया, साथ ही प्रभु देवा के सपने भी चकनाचूर कर दिए। लेकिन उसी समय सलमान दबंग 3 की स्क्रिप्ट को फाइनलाइज कर चुके थे और इसीलिए जैसे ही प्रभु देवा को इस फिल्म को डायरेक्ट करने का ऑफर आया उन्होंने फटाक से हाँ कह दिया। अब किस्मत का खेल देखिए, प्रभु देवा के लिए एकदम से वक्त बदल गया, एकदम से जज्बात बदल गए और वांटेड 2 तब्दील हो गई दबंग 3 में। सलमान और बोनी के बीच की कड़वाहट ने वांटेड 2 तो बनने नहीं दी, लेकिन फिर भी कुछ समय पहले ये खबरें आई कि इसके सीक्वल में हमें यंग एक्शन स्टार टाइगर श्रॉफ देखने को मिल सकते हैं। कुछ दिन तक इस न्यूज ने भी काफी हाइप क्रिएट की थी, लेकिन जल्द ही ये भी ठंडी पड़ गई। अब यहाँ सिचुएशन बड़ी गड़बड़ाई सी है। बोनी खुद ही क्लियर कर चुके हैं कि सलमान नहीं तो वांटेड 2 नहीं, और सलमान खुद तो सीक्वल करने से रहे। तो क्या बोनी अपने स्टैंड से पीछे हटेंगे या फिर समय सारे जख्म भर देगा और बोनी सलमान एक बार फिर एक साथ धमाल मचाएंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा या फिर नुक्कड़ पे बैठा ज्योतिष। रहा क्या वांटेड 2 से भी सलमान खान के करियर को एक नई दिशा मिल पाएगी? तो नमस्कार दोस्तों, मैं श्रिया अरोरा, आपकी आज की होस्ट। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। जैसा कि हमने बताया, वांटेड ने सलमान खान को काफी कुछ दिया है, जिससे सबसे पहला था अपनी स्ट्रेंथ्स को डिस्कवर करना। इस फिल्म ने उन्हें राउडी एक्शन स्टार के रूप में एस्टैब्लिश कर दिया और इसके बाद जो चॉइसेस सलमान खान ने की उससे क्लियर पैटर्न पता लग जाता है कि वो वांटेड के एक्शन ब्रांड को ही आगे ले जाना चाहते थे। वांटेड के बाद की हर एक एक्शन फिल्म में उनका ट्रेडमार्क भाईगिरी स्टाइल देखने को मिला, जो कहीं ना कहीं वांटेड के कैरेक्टर से ही मेल खाता था। और वांटेड के डायलॉग सुपरहिट होने के बाद हर एक फिल्म में उनके लिए अलग से विसल वर्दी डायलॉग लिखे जाने लगे। इस फिल्म ने सलमान खान का एक क्रेजी फैन बेस एम्पायर बना दिया, पर वांटेड में भाई के स्वैग और क्रेज ने लोगों को इतना दीवाना बना दिया जिसने डाई हार्ड फैंस की एक फौज ही बना के रख दी। एंड लास्टली वांटेड ने सलमान खान को सुपरस्टारडम के साथ ही एक वन मैन एंटिटी भी बना दिया, जो अपने दम पर ही 100-200 करोड़ की फिल्में बना सकता है। वांटेड ने सलमान खान को ऐसे स्टार के तौर पे एस्टैब्लिश किया जो कि सिनेमा के हर एक एलिमेंट को परफेक्टली निभाएगा भी और प्रोड्यूसर डायरेक्टर को मुनाफा दिलाएगा भी। सलमान को ट्रू सेंस में एक मास स्टार बनाने में वांटेड फिल्म का काफी बड़ा योगदान रहा और इसका एडवांटेज सलमान आज तक लेते आ रहे हैं। सलमान ने अपनी फिल्मोग्राफी को इतना दुरुस्त कर लिया है कि जब तक इनकी फिल्म 300-400 करोड़ ना कर ले तब तक ऑडियंस की नजर में वो फिल्म फ्लॉप ही रहेगी।
तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल बॉली। दोस्तों मैं हूं श्रिया अरोरा, आपकी आज की होस्ट। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बॉली क्रैश स्टूडियोज में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। वॉन्टेड 2009 की ऐसी फिल्म है जिसने अपनी सक्सेस से हर एक थिएटर ओनर को सरप्राइज करके रख दिया। उस समय थिएटर ओनर्स ने काफ़ी लंबे समय से ब्लॉकबस्टर फिल्म का मुंह तक नहीं देखा था, लेकिन सलमान खान ने इन ओनर्स को खुश होने का एक ज़बरदस्त मौका दिया। फिल्म सिंगल स्क्रीन थिएटर में भी इतनी बार हाउसफुल हुई कि ओनर्स को मिड शो में ही हाउसफुल के नए बैनर रीप्रिंट कराने पड़ गए, जिस साइन को देखने के लिए वो अरसों से तरस रहे थे। सिर्फ ऑडियंस और थिएटर्स के लिए ही नहीं बल्कि सलमान खान के करियर को बचाने में भी इस तेलुगु टू हिंदी रीमेक का काफ़ी बड़ा योगदान रहा। तो आगे जानेंगे वांटेड को मिली बेशुमार सक्सेस के मेन कारण और साथ ही साथ वांटेड टू के लिए पिच करेंगे इन्हीं रीजंस को। वांटेड ही वो पहली फिल्म थी जिसे ईद पे रिलीज किया गया था और जब ये ब्लॉकबस्टर हुई तो सलमान खान ने इसे अपना ट्रेडमार्क स्टाइल ही बना लिया। साथ ही ये सलमान खान की पहली फिल्म थी जो एक्शन जॉनर में 100 करोड़ मिंट कर पाई हो, तो अनडाउटेडली इसका एक्शन ही सबसे बड़ी मेन स्ट्रेंथ था। वांटेड ने हार्ट पंपिंग एक्शन को बड़ी स्क्रीन पे कमबैक कराने का काम किया और हर एक पंच और किक पे ऑडियंस की सीटी निकले बिना नहीं रह पाई। और साथ ही साथ ज़्यादा हैरानी की बात, सलमान खान ने अपने सारे स्टंट्स इसमें खुद ही परफॉर्म किए थे। तो आज के एक्शन स्टार सलमान जिन्हें हम जानते हैं, वांटेड ने इस नए टाइप के एक्शन में इन्हें धमाकेदार शुरुआत दिलवाई थी। अब बात करें वांटेड 2 में एक्शन की इम्पोर्टेंस की, तो जनाब वो वांटेड ही क्या जिसमें हड्डी तोड़ एक्शन ना हो। आजकल सलमान खान एक्शन के मामले में फुल फॉर्म में है, तो निश्चित ही है कि वांटेड 2 आएगी माइंड ब्लोइंग एक्शन कोशेंट के साथ। नेक्स्ट फैक्टर रहा फिल्म का कैची म्यूजिक और हाई एनर्जी डांस सीक्वेंसेस। हालांकि गाने लिरिक्स के मामले में 19-20 तो ज़रूर थे, लेकिन आजकल के लिरिक्स स्टैंडर्ड को देखकर तो ये बेटर ही साउंड करते हैं। सलमान खान ने अपने एनर्जेटिक डांस परफॉर्मेंस से हर एक आइटम सॉन्ग में फ्रेशनेस ला दी और इनका जलवा स्वैग तो आज तक भी फैंस के दिमाग में तरोताज़ा है। बात करें वांटेड 2 के पर्सपेक्टिव से, तो गानों के मामले में तो हमें उम्मीद है कि इसमें भी कैची और एनर्जेटिक गाने होने वाले हैं। एग्जाम्पल के लिए राधे ही ले लो, म्यूज़िक चाहे जैसा भी रहा हो लेकिन सलमान खान की डांस एनर्जी तो अभी भी अनमैचेबल है और यही एनर्जी रिफ्लेक्ट वांटेड 2 में भी होगी। अब फाइनली ये फिल्म रही तेलुगु ओरिजिनल पोकरी की एक रिमार्केबल रीमेक। वैसे तो इसी स्टोरी को काफ़ी और लैंग्वेजेस में भी बनाया गया, लेकिन सबसे स्टैंड आउट परफॉर्मर रही सलमान खान की वांटेड। रीमेक होने के बावजूद भी सलमान खान ने इसमें अपना एक यूनिक स्वैग ऐड ऑन कर दिया, जिससे उन्हें एक ऐसा क्रेजी फैंडम मिला जो अब तक भी अनमैचेबल है। इसी परफेक्शन से वांटेड को रीमेक किया गया था कि इवन कुछ हिंदी ऑडियंस को तो अभी तक ये लगता है कि ओरिजिनल फिल्म वांटेड ही है जिसे तेलुगु में रीमेक किया गया है। बात करें वांटेड 2 की रीमेक होने के चांसेस की, तो बॉस चांसेस तो बहुत ही हाई है। सलमान खान और इवन मैक्सिमम बॉलीवुड स्टार्स यही फॉर्मूला फॉलो करते हुए नज़र आ रहे हैं। एक ऑलरेडी हिट रीजनल सिनेमा की स्टोरी लो, उसे हिंदी में बना दो, स्वाद अनुसार अपना ट्रेडमार्क स्टाइल फिल्म में दिखा दो और पेश कर दो पुरानी डिश विद न्यू गार्निशिंग। तो रीमेक होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन फिर भी ओरिजिनल स्टोरी की होप अभी भी थोड़ी बहुत बची है। तो चलिए फिलहाल के लिए इसके बारे में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और अगर आपको अपने कोई सुझाव देने हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही साथ हमारे चैनल बॉली क्रैश स्टूडियोज को सब्सक्राइब भी जरूर करें। तेलुगु फिल्म पोकिरी से क्यों हुई तुलना, क्या समानता है दोनों फिल्मों में, क्यों हुई सलमान और महेश बाबू की तुलना, एक ही रोल को दो बार क्यों निभाया था प्रकाश राज ने। बॉलीवुड में बहुत सी ऐसी फिल्म आती है जो दूसरी भाषा
या ज्यादातर साउथ की भाषा की फिल्मों के रीमेक होती है। इन्हीं में से एक फिल्म है साल 2009 में आई वांटेड। जी हाँ, अगर आपको ना पता हो तो आपको बता दे कि सलमान खान स्टारर ये फिल्म 2006 की तेलुगु फिल्म की पोकरी का एक ऑफिशियल रीमेक थी, जिसमें महेश बाबू और इलियाना डिक्रूज ने मुख्य भूमिका निभाई थी। तो आइए फिर आज जानते हैं कि दोनों फिल्मों में क्या अंतर था या कितनी समानता थी। तेलुगु फिल्म की कहानी को पूरी जगन्नाथ ने ही लिखा, निर्देशित किया और यहाँ तक कि उन्होंने ही इसका निर्माण भी किया था, जबकि हिंदी वर्षन में पूरी की कहानी को शिरज अहमद ने लिखा, प्रभु देवा ने निर्देशित किया और बोनी कपूर ने इसका निर्माण किया था। पोकरी में साउथ के सुपरस्टार महेश बाबू और उनके साथ आज बॉलीवुड दीवा बन चुकी इलियाना डिक्रूज भी थी, जबकि हिंदी फिल्म में बॉलीवुड के मेगा स्टार सलमान खान और उनके साथ आयशा टाकिया थी। गौरतलब है कि इस फिल्म में सलमान के डूबते करियर को संभाला था और एक्शन हीरो के रूप में नई पहचान दिलाई थी। अगर आपने दोनों फिल्में देखी होंगी तो आपने गौर किया होगा कि दोनों ही फिल्मों में डायलॉग बिल्कुल एक जैसे हैं। ये तो हर फिल्म के साथ होता है कि अगर वो किसी का रीमेक है तो लोग उन्हें आपस में तोलेंगे ही, और इस केस में अगर आपने पोकरी पहले देखी और फिर वांटेड देखी तो बेशक ही आपको पोकरी ज्यादा पसंद आने वाली है। हालांकि ऐसा नहीं है कि रीमेक फिल्म ओरिजिनल से हर जगह मात खाती है। किसी जगह अगर वांटेड दो कदम आगे है तो वो है हीरो के पिता और सब इंस्पेक्टर के कास्टिंग में। सलमान के पिता के रूप में विनोद खन्ना बेशक ही पोकरी में पिता बने नस्सर से तो बेहतर लगते हैं। ऐसा ही कुछ पुलिस के रोल में महेश मांजरेकर के साथ हुआ। वांटेड में जिस तरह उनके अंदर खौफ देखा जाता है, पोकरी में आशीष विद्यार्थी ऐसा कुछ भी करने में असफल ही रहते हैं। एक ईमानदार पुलिस अफसर की भूमिका निभाने वाले सयाजी शिंदे पोकरी में ओवर एक्टिंग करते दिखते हैं, जबकि उसी रोल में गोविंद नामदेव उनसे आगे निकल जाते हैं। ओरिजिनल फिल्म में मनीष शर्मा ने संगीत दिया था, जबकि हिंदी फिल्म में साजिद वाजिद ने। हालांकि ये भी कहना गलत नहीं होगा कि दोनों ही फिल्में सुपरहिट रही थी। 10 करोड़ के बजट में बनी पोकरी ने जहां 66 करोड़ की कमाई की थी, वहीं वांटेड ने 94 करोड़ की कमाई बॉक्स ऑफिस पर की थी। बहरहाल हम तो यही कहेंगे कि अगर आपने पोकरी नहीं देखी हो तो आपको एक बार वो जरूर देखना चाहिए। और दोनों में आपको कौन सी फिल्म बेहतर लगी और ये आकर हमें कॉमेंट से। अपने सफल करियर को बीच में छोड़कर सन्यासी क्यों बनाइए सितारा, किसके पिता थे उनके फिल्मी करियर के खिलाफ, राजेश खन्ना को चहीता कौन था, सलमान किस अभिनेता को मानते थे अपना लकी चार्म, टॉल डार्क एंड हैंडसम की परिभाषा शायद इसी सितारे को देखकर रखी गई होगी। अधिकतर फिल्मों में विलन बनने के बाद भी अगर किसी को इतना प्यार मिले तो बेशक ही वह कोई खास होगा। हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता विनोद खन्ना की। किसी भी स्टार की जिंदगी आसान नहीं होती, वहां तक पहुंचने के लिए कई संघर्षों बलिदानों का सामना करना पड़ता है। ऐसा ही कुछ उनके साथ हुआ। आइए जानते हैं उनके बारे में कुछ रोचक बातें। विनोद का जन्म 6 अक्टूबर 1946 को पेशावर में हुआ था, जो आज पाकिस्तान में है। उनके पिता कृष्णचंद खन्ना का टेक्सटाइल, डाई और केमिकल का बिजनेस था। विनोद खन्ना 5 भाई बहनों में से एक है। उनके एक भाई और 3 बहनें हैं। आजादी के समय हुए बंटवारे के बाद उनका परिवार पाकिस्तान से मुंबई आकर बस गया। वे बचपन में बेहद शर्मीले थे। उनके स्कूल के दौरान उनकी एक टीचर ने उन्हें जबरदस्ती में नाटक उतार दिया और वहां से उन्हें अभिनय की कला पसंद आई। पढ़ाई में अच्छे ना होने के कारण उनके पिता ने उन्हें बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया। वहीं पढ़ाई के दौरान विनोद ने 16 साल और मुगले आजम जैसी फिल्में देखी। इन फिल्मों ने उन पर काफी गहरा असर छोड़ा। तभी उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में आने का फैसला कर लिया। हालांकि उनके पिता नहीं चाहते थे कि वे फिल्मों में आएं, पर उनकी जिद के आगे वे झुके और उन्होंने 2 साल का समय दिया। इन 2 सालों में मेहनत कर उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह बना ली। सुनील दत्त ने 1968 में फिल्म मन का मीत में विलन के रूप में उन्हें लॉन्च किया। वैसे तो सुनील ने ये फिल्म अपने भाई को बतौर हीरो लॉन्च करने के लिए बनाई थी, पर उनको पीछे छोड़ विनोद आगे निकल पड़े। आन मिलो सजना, पूरब और पश्चिम, सच्चा झूठा जैसी कई फिल्मों में सहायक या खलनायक के रूप में नजर आने के बाद 1971 में गुलजार द्वारा निर्देशित फिल्म मेरे अपने में उन्होंने एक हीरो का रोल निभाया।
उसके बाद उन्हें और भी ज्यादा पसंद किया जाने लगा। वे अधिकतर मल्टी स्टारर फिल्मों में ही नजर आए और उन्होंने अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना, सुनील दत्त जैसे कई सितारों के साथ काम किया। राजेश खन्ना तो उन्हें बेहद पसंद करते थे और वे उनके चहेते थे। वे अमिताभ के संग उनकी जोड़ी को भी दर्शकों ने काफी ज्यादा पसंद किया। हेरा फेरी, खून पसीना, अमर अकबर एंथनी, मुकद्दर का सिकंदर जैसी कई सारी फिल्मों में उन्हें ब्लॉकबस्टर का खिताब दिया। इसके बाद अपनी सफलता के शिखर पर रखते हुए 1982 में उन्होंने अचानक एक ऐसा फैसला लिया कि फिल्म इंडस्ट्री में मानो हड़कंप मच गया हो। दरअसल वे अपने आध्यात्मिक गुरु रजनीश ओशो की शरण में चले गए और ग्लैमर की दुनिया को उन्होंने अलविदा कह दिया। उनके आश्रम में सुपरस्टार विनोद ने बर्तन धोने से लेकर टॉयलेट साफ करना, यहां तक कि एक माली का काम भी किया। हालांकि 5 साल वहां रहने के बाद वे वापस अपने घर लौट आए। सलमान खान के साथ उन्होंने कई सारी फिल्में की, जैसे वॉन्टेड, दबंग सीरीज आदि। सलमान खान हमेशा उन्हें अपना लकी चार्म मानते थे। शाहरुख खान स्टारर 2015 की दिलवाले उनकी आखिरी फिल्म थी, जिसके बाद ब्लड कैंसर जैसी बीमारी से लंबित वक्त तक लड़ने के बाद 27 अप्रैल 2017 को उनकी मृत्यु हो गई। आज भले ही विनोद खन्ना हमारे बीच नहीं है, पर अपनी आइकॉनिक फिल्मों के जरिए वे हमेशा ही हमारे दिलों में अमर रहेंगे। दुख है कि अब वो वांटेड 2 में नजर नहीं आ पाएंगे। अब वांटेड 2 के डायरेक्टर के लिए काफी बड़ी मुश्किल है कि कैसे वो इनके टक्कर का विलन अपनी आने वाली सीरीज के लिए ढूंढे। आपको क्या लगता है, कौन होगा वो शख्स जो लेगा विनोद खन्ना की जगह? क्या वो इनके विलन वाले लुक को टक्कर दे पाएगा? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। आगे हम आपको उनकी निजी जिंदगी और कामकाजी जिंदगी से जुड़े कुछ और खास तथ्यों के बारे में बताएंगे। क्या जाएगा या फिर किसी नए स्टार की एंट्री होगी? वांटेड 2 की कहानी क्या है? वांटेड 2 की शूटिंग कब से शुरू होने वाली है? वांटेड 2 में अर्जुन कपूर सलमान खान के लिए क्यों रोड़ा बन गए? वांटेड 2 की स्क्रिप्ट के लिए किस साउथ फिल्म के कॉपीराइट को बोनी कपूर ने खरीदा? वांटेड फिल्म ने कैसे सलमान खान को रातों रात सुपरस्टार बना दिया? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गरिमा सिंह और आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, फिल्म निर्माता बोनी कपूर लंबे समय से अपनी 2009 की हिट फिल्म वांटेड का सीक्वल बनाना चाहते हैं, लेकिन सलमान खान की हां के इंतजार में वक्त बीतता जा रहा है। अब उन्होंने सलमान का इंतजार न करने का फैसला कर लिया है। पिछले कुछ समय से सीक्वल की चर्चाएं हैं और ये भी कहा गया कि सलमान बोनी को जानबूझकर इंतजार करा रहे हैं। इसकी वजह बोनी के बेटे अर्जुन कपूर हैं, जिनसे सलमान की नाराजगी जग जाहिर है। पिछले दिनों फिल्म रेस 3 के प्रमोशन के दौरान सलमान ने अपनी आने वाली फिल्मों के नाम गिनाए थे और उनमें वांटेड 2 का नाम नहीं लिया। संभवतः यही कारण रहा है कि बोनी ने अब वांटेड 2 के लिए सलमान की जगह दूसरे एक्टर की खोज शुरू कर दी है और टाइगर श्रॉफ का नाम सामने आ रहा है। दोस्तों, वांटेड एक एक्शन फिल्म थी और टाइगर श्रॉफ आज सबसे प्रतिभाशाली एक्शन स्टार के रूप में उभरे हैं। हाल ही में खुद सलमान ने उनकी तारीफ की थी। सूत्रों का कहना है कि बोनी ने निर्देशक प्रभु देवा से मिलकर पिछले दिनों बात की और कहा कि वांटेड के सीक्वल के लिए टाइगर को लिया जा सकता है। और दोस्तों, इसके बाद टाइगर से बोनी और उनकी टीम ने बातचीत की। कहा जा रहा है कि बोनी ब्लॉकबस्टर बनी बागी 2 के बाद टाइगर की इमेज को भुनाना चाहते हैं। तय है कि अगर टाइगर वांटेड 2 में आते हैं तो इससे फिल्म को फायदा होगा। बोनी के करीबी सूत्र कह रहे हैं कि वांटेड 2 के लिए उनके पास बढ़िया कहानी है और टाइगर ने स्क्रिप्ट सुनने के लिए हाँ भी कह दी है। बोनी फिल्म की भागदौड़ पहले ही प्रभुदेवा को सौंप चुके हैं। उल्लेखनीय है कि 2009 में वांटेड ने ही सलमान को उस वक्त चल रहे उनके खराब दौर से उभारा था और इस फिल्म की सफलता के बाद उन्होंने आज तक पीछे मुड़कर नहीं देखा। सूत्रों के मुताबिक टाइगर ने हाँ की तो वो 2019 में ही वांटेड 2 के लिए समय दे पाएंगे। उधर प्रभु देवा भी इन दिनों सलमान की दबंग 3 की प्री प्रोडक्शन में व्यस्त है। दोस्तों, वांटेड 2009 में आई क्राइम एक्शन हिंदी फिल्म है जो डायरेक्टर प्रभु देवा द्वारा फिल्माई गई है। इस फिल्म में सलमान खान, आयशा टाकिया, प्रकाश राज, विनोद खन्ना, महेश मांजरेकर ने
मुख्य भूमिकाएं निभाई थी। इस फिल्म में सलमान खान ने एक आईपीएस अफसर की भूमिका निभाई है और ये फिल्म एक तेलुगु फिल्म पोकिरी का रीमेक है। दोस्तों ये फिल्म 18 सितंबर 2009 को रिलीज हुई थी और जिसने रिलीज होने के साथ बॉक्स ऑफिस के कई रिकॉर्ड तोड़ दिए और वो भी सलमान खान के वापसी होने पर। दोस्तों वॉन्टेड वर्ष 2009 की बॉलीवुड की दूसरी सबसे बड़ी ग्रॉसिंग फिल्म थी। राधे एक गैंगस्टर होता है जिसका अतीत एक रहस्यमय है जो रुपयों के लिए लोगों की जान लेता है और वो जानवी से उस दौरान मिलता है जब वो फिट रहने के लिए फिटनेस सेंटर पर ट्रेनिंग कर रही थी और राधे को उसी क्षण जानवी से प्यार हो गया। दोस्तों राधे और जानवी की पहली मुलाकात ने जानवी को राधे के बारे में नकारात्मक बना दिया लेकिन बाद में वो राधे की भावनाओं की कद्र करने लगी। दूसरी ओर इंस्पेक्टर तलपड़े एक स्वार्थी और विकृत इंस्पेक्टर, उसने जानवी की माँ से जानवी की शादी खुद से करने को कहा और साथ ही साथ ये भी कहा कि अगर वो उसके विरुद्ध गई तो वो उसका बलात्कार करेगा और फिर वो अदालत कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंस कर रह जाएगी। वहीं दूसरी ओर तलपड़े ने जानवी के बॉयफ्रेंड पर ध्यान रखने के लिए जानवी के मकान मालिक को कहा। तलपड़े राधे को धमकी देने की कोशिश करता है लेकिन बाद में उसे राधे की हकीकत का पता चलने पर राधे से डर लगने लगता है। दोस्तों वहीं गनी भाई यानी कि प्रकाश राज एक इंटरनेशनल डॉन भारत एक हत्या करने के लिए आता है और राधे को अपने पुराने विश्वसनीय राइट हैंड की जगह दे देता है। दो गैग दत्ता पावले और गन्नी भाई मुंबई का सबसे बड़ा हिस्सा बनने के लिए एक दूसरे से लड़ते हैं और इस वजह से पुलिस कमिश्नर अशरफ तौफीक खान मुंबई को क्राइम से मुक्त बनाने का निर्णय करता है और पुलिस कमिश्नर अशरफ तौफीक खान गनी भाई को गिरफ्तार कर लेता है। दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की। राधे एक कातिल है जिसको हिंसा और मारपीट के अलावा कुछ नहीं आता। उसको जानवी नाम की एक लड़की से प्यार हो जाता है लेकिन एक इंस्पेक्टर जानवी पर शादी के लिए दबाव डालता है और इस मुसीबत से निपटने के लिए राधे के पास एक नई योजना है। क्या वो अपनी योजना के मुताबिक जानवी को इंस्पेक्टर से बचा पाएगा? दोस्तों ये तो हो गया इस फिल्म का इंटरेस्टिंग फैक्ट। अब बात करते हैं बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की। दोस्तों इस फिल्म का पहले दिन का कलेक्शन 5,01,00,000 रुपए रहा, वहीं पहले वीकेंड का कलेक्शन 15,54,00,000 रहा। वहीं अपने पहले हफ्ते में इस फिल्म ने 33,63,00,000 का कलेक्शन किया और इस फिल्म ने भारत में कमाई की 60 करोड़ की, वहीं दुनिया भर की कमाई 93 करोड़ की रही। दोस्तों वांटेड सलमान खान के करियर की हिट फिल्मों में से एक है और इस फिल्म को दर्शकों ने बेहद पसंद किया जिस कारण अपने ओपनिंग वीकेंड पर ही फिल्म ने 15 करोड़ रुपए कमा लिए थे। सप्ताह के बाकी दिनों में भी फिल्म की कलेक्शन में जरा फर्क नहीं पड़ा और एक सप्ताह खत्म होने पर फिल्म ने 30 करोड़ रुपए से ज्यादा तक की कमाई कर ली। दूसरे सप्ताह में भी फिल्म की कलेक्शन में ज्यादा गिरावट देखने को नहीं मिली और सिनेमा घरों से फिल्म ने अच्छा लाभ कमाया। वांटेड फिल्म विदेशी दर्शकों को भी बहुत पसंद आई जिस कारण फिल्म ने विदेश में भी आशा के अनुरूप कमाई की। दोस्तों वांटेड फिल्म ने सलमान खान के करियर को एक नई उड़ान दी थी जिसके बाद उन्होंने दबंग, किक, रेडी जैसी एक के बाद एक ब्लॉकबस्टर फिल्में दी। दोस्तों बात करते हैं सलमान खान के वो 20 चर्चित डायलॉग्स की जिससे थिएटर में तालियां और सीटियां गूंज उठती हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं पहले डायलॉग से, सलमान खान की गर्व फिल्म से ये डायलॉग। मुकदमा सबूतों और गवाहों से लड़ा जाता है, भाषणबाजियों, नौटंकी और तमाशों से नहीं। दोस्तों बढ़ते हैं अगले डायलॉग की ओर, सलमान खान की वांटेड फिल्म से ये डायलॉग जो बड़ा ही फेमस हुआ। एक बार जब मैंने कमिटमेंट कर दी उसके बाद तो मैं खुद की भी नहीं सुनता। दोस्तों तीसरा डायलॉग आता है उनकी फिल्म तेरे नाम से। मैं रिक्वेस्ट नहीं करता, एक ही बार बोलता हूँ और फुल एंड फाइनल हो जाता है। दोस्तों वही उनका बॉडीगार्ड फिल्म से ये डायलॉग जो बड़ा ही फेमस हुआ। मुझ पर एक एहसान करना कि मुझ पर कोई एहसान मत करना। दोस्तों बढ़ते हैं अगले डायलॉग की ओर और उनकी एक था टाइगर फिल्म से ये डायलॉग। साथ चलना होगा जिंदा या मुर्दा। दोस्तों अगला डायलॉग है उनकी दबंग फिल्म का, देयर इज ऑलवेज अ फर्स्ट टाइम ऑलवेज अ नेक्स्ट टाइम। दोस्तों बढ़ते हैं अगले डायलॉग की ओर और उनकी बॉडीगार्ड फिल्म से ये डायलॉग। मेरी एक खासियत है कि मैं मारता कम हूँ घसीटता ज्यादा हूँ। दोस्तों अगला डायलॉग की बात करें तो दबंग फिल्म का ये बेहतरीन डायलॉग, हम तुम में इतने छेद करेंगे कि कंफ्यूज हो जाओगे कि सांस कहां से लें और पादे कहां से। दोस्तों अगला डायलॉग है उनकी फिल्म मैंने प्यार किया से। दोस्ती का एक उसूल होता है मैडम, नो सॉरी नो थैंक यू। अगला डायलॉग है उनकी फिल्म हम आपके हैं कौन से।
लोग कहते हैं कि खूबसूरत लड़कियां जब झूठ बोलती हैं तो और भी खूबसूरत लगती हैं। दोस्तों अगला डायलॉग है उनकी फिल्म हम दिल दे चुके सनम से, अगर तुम मुझे यूं ही देखती रही तो तुम्हें मुझसे प्यार हो जाएगा। दोस्तों अगला डायलॉग है उनकी दबंग फिल्म का, हमारा नाम हमारी पर्सनैलिटी को शोभा देता है, चुलबुल पांडे उर्फ रॉबिनहुड पांडे। दोस्तों अगला डायलॉग है उनकी फिल्म किक से, मेरे बारे में इतना मत सोचना, दिल में आता हूँ समझ में नहीं। दोस्तों उनका अगला डायलॉग है वांटेड फिल्म से, तू लड़की के पीछे भागेगा लड़की पैसे के पीछे भागेगी, तू पैसे के पीछे भागेगा लड़की तेरे पीछे भागेगी। दोस्तों अगला डायलॉग है उनकी फिल्म रेडी से, जिंदगी में तीन चीजें कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना, आई मी एंड माई सेल्फ। दोस्तों अगला डायलॉग है उनकी फिल्म हम आपके हैं कौन से, जब हम आपसे कुछ पूछना चाहें तो आप हमें रोकती हैं और जब चुप हो जाएं तो आप हमें टोकती हैं। दोस्तों अगला डायलॉग है उनकी फिल्म तेरे नाम से, सारी दुनिया प्यार में पड़ी है, सिर्फ एक मुझे ही हक नहीं है कि मैं भी किसी से प्यार कर सकूं, कोई मुझसे प्यार कर सके क्यों। दोस्तों अगला डायलॉग है उनकी फिल्म वॉन्टेड का, बहुत घूर रहा है क्या बहन की शादी कराएगा मुझसे, और उनका वॉन्टेड फिल्म का एक और डायलॉग, शराब और खून मैं अपनी मर्जी से पीता हूँ दबा के। दोस्तों अगला डायलॉग है उनकी फिल्म जय हो से, आम आदमी सोता हुआ शेर है, उंगली मत कर जाग गया तो चीर फाड़ देगा। दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं फिल्म से ताल्लुक रखने वाले कुछ खास किस्सों के बारे में। दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि प्रभु देवा ने इस फिल्म के माध्यम से हिंदी फिल्मों में डेब्यू किया था और ईद के मौके पर रिलीज होने वाली सलमान खान की ये पहली हिट फिल्म थी। और दोस्तों फिल्म का गाना मेरा ही जलवा में अनिल कपूर और गोविंदा को गेस्ट अपीयरेंस में देखा गया। वहीं इस फिल्म को बनाने में काफी समय लगा था और रिलीज होने में भी काफी दिक्कतें आई थी। दोस्तों वांटेड फिल्म तमिल फिल्म पोकिरी की रीमेक है जिसे भी प्रभु देवा ने ही डायरेक्ट किया था। दोस्तों प्रकाश राज ने इस फिल्म में विलन की भूमिका निभाई है। और क्या आप जानते हैं कि सलमान से पहले ये फिल्म शाहरुख खान को ऑफर हुई थी लेकिन उन्होंने इस फिल्म का रोल अपने लिए ठीक नहीं समझा था।